हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मैं सभी लोगों को प्रॉपर ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू अन एकेडमी। चलिए सभी लोग एक बार ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी का कंफर्मेशन करें। मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ ना, सभी को फटाफट कंफर्मेशन कर दीजिए। मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ ना सभी को, आ जाइए सभी फास्ट। Am I audible and visible to all of you? जल्दी से आ जाइए सभी। आज हम लोगों को अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करनी है। हम लोग हीट ट्रांसफर का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग PYQs और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा सेशन रहेगा वो उसमें हम लोग अपना टाइम अच्छे से मैनेज करके चलेंगे एंड यहाँ पर हमें क्विक रिवीजन करना है। गॉट इट? तो किसी का इससे पहले कुछ है कि मन में क्वेश्चन कि मतलब क्विक रिवीजन से बहुत सारे लोगों का पूछना है। मेरे पास आंसर आ रहे थे मैसेजेस स्टूडेंट्स के कि मैम ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्या ये सफिशिएंट है क्या गेट 2024 के लिए? तो यस, ठीक है, ये सफिशिएंट होगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो स्पेशली मैं वो सभी लोगों को के प्रिपरेशन को भी कंसीडर करके अपना ये जो सेशन सीरीज़ है वो मैंने स्टार्ट किया है कि सपोज़ दैट आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं तैयार है तो आप इसको फटाफट फॉर्म में रेडी कर लें। और इन केस अगर कुछ लोगों का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट अभी रिवीजन में नहीं है तो आप मेरे साथ यहाँ पर क्विक रिवीजन कर सकें। क्विक रिवीजन के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप बिल्कुल एक्टिव रहिए, है ना, अटेंटिव रहिए एंड पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपके होंगे। ठीक है, आपके पूरे के पूरे 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सब क्लियर है ना? मुझे बस एक मिनट का टाइम दीजिए। आई थिंक वेट, यस, चलो। तो इससे पहले कि आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहूँगी। अन अकेडमी आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स लेकर के आया हुआ है। आपको अप टू 50% डिस्काउंट अवेल करने का यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। और साथ ही साथ आपको अप टू 4 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी मिलने वाला है। वो किस तरह से अप टू 4 मंथ्स एक्सटेंशन आपको मिलेगा? आप अपना प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स परचेज करते हैं तो, है ना, प्लस एंड आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड ये तो आपको पता है कि अन अकेडमी में जो क्लासेस होती हैं वो 3 कैटेगरी में होती हैं। लाइव क्लासेस जो हैं मतलब अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे वो होती हैं प्लस क्लासेस एंड यहाँ पर स्पेशल क्लासेस, दो तरीके की क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ आपका ये जो यूट्यूब क्लासेस देखने को मिलती है, तो 3 कैटेगरी में ओवरऑल क्लासेस को डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस वो क्लासेस हैं जहाँ पर आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, जो जो भी टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं। बट प्लस में क्या होता है, प्लस क्लासेस वो होती हैं जहाँ पर आपके लिए पूरा प्लान आउट करके पूरा कोर्स मतलब कि यहाँ पर सब्जेक्ट को बोल रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट पूरा स्टार्ट किया जा रहा है, स्टार्टिंग से लेके फिनिश किया जा रहा है एंड तक। ठीक है, तो आपका क्या है, अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्लस, दूसरा होता है आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए मैं पहले बता दूं कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलने वाला है, आपको प्लस क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, लाइव क्लासेस जो होती हैं, लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ आप वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स को देख सकते हैं बाद में। इन केस आपका लाइव क्लास मिस हुई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पर से कवर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट फिर जल्दी रिपीट नहीं होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो और आपके पास एक और बहुत अच्छा चांस क्या होता है कि आप एक सिंगल सब्जेक्ट को मल्टीपल एडुकेटर्स से पढ़ सकते हैं अपनी ही गिवन स्ट्रीम में। ठीक है, तो आपको देखिए प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में ही क्या होगा कि आपको यहाँ पर प्लस की एक्सेस मिल जाएगी।
आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं। यहाँ पर आइकॉनिक में आपको क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, यहाँ आपको हाई क्वालिटी प्रिंटेड नोट्स देखने को मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे, आपकी कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको लाइव मेंटरशिप मिल रही है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस हैं वो प्लस से थोड़ा सा अलग है, है ना, प्लस से अलग हैं। और यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप 6 मंथ का ले सकते हैं, आप 1 ईयर का ले सकते हैं, आप 2 ईयर का ले सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, और अगर आप 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं तो आपको 1 एक्स्ट्रा मंथ मिल रहा है, 6 मंथ में आपको 2 एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे, 12 मंथ्स में आपको 3 एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे, और 2 ईयर्स में आपको 4 एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मंथ्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्या था कि आपको बहुत ही प्राइस ड्रॉप भी मिल रहा है। जो टोटल प्राइस था उसमें आपको अच्छा एक प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है प्लस एंड आइकॉनिक्स भी में, ठीक है, सभी कैटेगरीज में। तो ये डिस्काउंट पे डिस्काउंट हो गया। अब एक और चीज़ इसमें है कि अब आप यहाँ पर और अप टू 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, ये एक वेरिएबल डिस्काउंट है, दैट वन विल वेरी एज पर योर परफॉर्मेंस इन द स्कॉलरशिप टेस्ट। मैम ये स्कॉलरशिप टेस्ट क्या होता है, चलो तो मैं पहले सबसे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये भाई बता दे रही हूँ कि आप मैं अभी बताऊंगी कि कौन कौन से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्या है, कैसे है, ठीक। तो उससे पहले आपका सबसे पहले मन में क्वेश्चन ये आता है कि मुझे मतलब अल्टीमेटली ये कोर्स मैं परचेज करूँगा तो मुझे कितने का पड़ेगा, मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले तो हमारा क्यूरियोसिटी यही होती है जानने की, एंड ऑब्वियसली बातें होना भी चाहिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका पूरा हक बनता है। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट यहां पर हो रहा है, टेक अ टेस्ट फॉर फ्री एंड विन अप टू 50% डिस्काउंट। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेस्ट, कुछ आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। 15 मिनट्स का है, 15 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। टेक द टेस्ट एनी टाइम एनी वेयर फ्रॉम द ऐप और फ्रॉम द डेस्कटॉप, ये आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम स्लॉट में दे सकते हैं, किसी भी जगह पर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऑफलाइन टेस्ट है जहां पर आपको अनअकैडमी के सेंटर्स पे जाकर के टेस्ट देना होगा या पर्टिकुलर किसी एक ही प्लेस पे जाकर के, नो, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आराम से कहीं पर से भी यहां पर अपीयर हो सकते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, गेट इमीडिएट डिस्काउंट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपको पता चल जाएगा इफ यू आर रैंक 1 देन यू विल गेट 50% डिस्काउंट, इफ यू आर टॉप 1 परसेंटाइल देन यू विल गेट 30% डिस्काउंट, इफ यू आर टॉप 10 परसेंटाइल एक्सक्लूडिंग टॉप 1 परसेंटाइल देन यू विल गेट 15% डिस्काउंट, एंड इफ इन केस यू आर इन अ 90 परसेंटाइल इवन ऑल्सो यू विल ऑब्टेन 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट तो हर एक हाल में मिल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं, आपको ईजिली आप यहाँ पर अपीयर होके भी 15% अप टू 50% तो आप 15% तो ईजिली आप ले जाओगे डिस्काउंट, डोंट वरी, है ना, और आपने एफर्ट्स दे लिए तो दिस वन इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल है सब कुछ। चलो, तो अब बात आती है कि यहाँ तक ठीक है मैम, मैं स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर हुआ, मुझे मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ आ गया कि मतलब मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, और मैंने ये भी सोच लिया है कि मुझे कौन सा कोर्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस या आइकॉनिक, और कितने ड्यूरेशन का लेना है ना, सब कुछ आपका डिसाइड हो गया। तो अब आपके लिए एक ये भी चीज़ है कि आपका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 2 बैचेस स्टार्ट हुए हैं। 2 बैचेस क्यों स्टार्ट हुए हैं, एक बैच जो है ब्रह्मास्त्र प्लस, ये सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी गेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं। अभी भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो अब तो जाने दो, अब तो गया, अब गेट 2024 मेरा नहीं है, मैं गिव अप कर देता हूँ। तो नो, दे शुड बी बिग नो, अभी भी गिव अप नहीं करना है, सब कुछ पॉसिबल है। इस यही सब कुछ देख के ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूरी रेडी की है हम लोगों ने, और आपके लिए ब्रह्मास्त्र प्लस बैच लॉन्च किया है कि आपको गिवन ड्यूरेशन में इफेक्टिवली मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करते हुए पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से प्रॉपर तरीके से कवर कराएं,
ठीक है, आपकी प्रिपरेशन गेट 2024 के लिए कराएं. दिस बैच वॉज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 13th of October विद अ वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन. एंड अब वो सभी स्टूडेंट की बात कर लें जिनको 2024 उनका टारगेट नहीं है, उनका टारगेट है गेट 2025 या फिर 26, तो उनके लिए एक सेपरेट बैच बना है, दैट मीन इज मिशन बैच. वन बैच फॉर गेट एंड प्लस गेट एंड पीएसयूज, गेट एंड पीएसयूज 2025 केमिकल, ये केमिकल के लिए है एक्सक्लूसिवली दोनों बैच. एंड ये मिशन बैच जो है दैट वन इज ऑल्सो स्टार्टेड ऑन 13th of October विद अ वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन. तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका ये मन में है डाउट, एक थोड़ा सा वो लग रहा है कि ये तो बैचेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, बैचेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो ऑलरेडी बैकलॉग आ चुका 10 दिन का अप्रॉक्सीमेटली, आ जाएगा कोर्स परचेज करते करते. तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जो बैकलॉग आया है आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर से कवर कर सकते हैं और अपने डाउट्स को अपनी कंसर्न फैकल्टी से या फिर अदर किसी एडुकेटर से, हम अनअकैडमी एडुकेटर से हमारे किसी भी, आप फ्री हैं किसी से भी अपनी यहाँ पर डाउट क्लियर कर सकते हैं. सब बहुत अच्छे से आपको बोलेंगे कि हम बोल सकते हैं कि एंटरटेन करेंगे, ठीक है. चलो एंड यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मेंशन कर दिया गया है भाई कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही आपको एक्सेस मिलेंगी. ऐसा नहीं है कि लाइव गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डेड की है आपको एक्सेस. चलो तो अब बात आती है, हमारे ये दो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. प्लस फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्लस फीचर्स जो हैं वो आपका यहाँ पर आपका लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहे, आपका काफ़ी आपको कॉम्पिटिटिव वहाँ पर एनवायरनमेंट देखने को मिले क्लास ड्यूरेशन में. तो इसलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा इसको फ्रेम किया है, ऐसा सब कुछ कि आपको एग्जैक्टली रियल टाइम फील आए कि हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस में ही हैं. जैसे हमें वहाँ पर कुछ नहीं समझ आता है, हम लोग अपना डाउट रेज करते हैं, अपना हैंड रेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप सेम वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, बट कैसे, वर्चुअल फॉर्म में कर सकते हैं. सब लोग आ गए ना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर वर्चुअल फॉर्म में कर सकते हैं. क्लास हैंडआउट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इन क्लास पोल्स, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए यहाँ पर क्लास पोल्स होते हैं, जहाँ पर एग्जैक्टली आपको गिवन ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमने आपको प्रॉपर दे दिया कि इसका क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन, और आपको इतने टाइम में इसे सॉल्व करना है, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, देन आपको इमीडिएट पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत है, या एग्जैक्टली लीडर बोर्ड आपका होगा, आप कहाँ पर एग्जैक्टली अभी क्लास में आपकी रैंकिंग क्या चल रही है, कुछ पोल्स के बाद आप एग्जैक्टली कहाँ पर लाए कर रहे हैं, ठीक है. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं टॉपिक वाइज, जो 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 टॉपिक कवर होंगे. एडुकेटर कम्युनिटी इज हियर, लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप अपने कंफर्ट जोन में आराम से घर बैठ कर के पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज. ऑल कोर्सेज का मतलब प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैम मैं केमिकल का कोर्स परचेस कर रहा हूँ तो क्या मुझे मैकेनिकल, सिविल, EEE का भी मिल जाएगा क्या एक्सेस, नहीं उसका नहीं मिलेगा. यहाँ पर कोर्सेज से मतलब क्या है, जब आप प्लस क्लासेस लेंगे, जब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसको कोर्स बोला जाता है ना, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर. चलो अब बात आती है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट के सामने की, फाइनेंशियल इश्यूज, कि अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, शायद इतना अमाउंट मेरे पास अभी इतना नहीं है. तो आपको यहाँ पर आपको आपके लिए उसकी भी प्लानिंग की गई है. नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर गेट एंड ESE मैकेनिकल एंड केमिकल ड्रीम, गेट स्टार्टेड विद नो कॉस्ट EMI एंड 0% इंटरेस्ट ऑन द लोन. आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, और फॉर एज लो एज दिस अमाउंट पर मंथ. आपको एक साथ भी नहीं पे करना होगा, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि आप EMIs में पे कर सकते हैं. अब आपको ये भी ये नहीं होगा कि इस प्रोसेस को आपको करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, नो, दिस वन इज एब्सोल्युटली हैसल फ्री प्रोसेस. अप्रूवल इन 2 आवर्स, मिनिमम पेपर वर्क,
एंड फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल टेन्योर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई. ओके, एंड अगर आप किसी को कोई भी डाउट है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेरी से रिलेटेड. चलो, तो ये रहा हमारा आज का क्या अनाउंसमेंट था, वो मैंने आपको बता दिया. अब आप सभी लोग रेडी हैं क्या? आज हम लोगों को हीट ट्रांसफर का क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है. सभी लोग रेडी हैं? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. चलिए करते हैं हम लोग. यस, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अभिषेक यूनाइटेड, राजेश कुमार, हेलो आशुतोष पांडे, सभी आ जाओ. और ये मैं बता दे रही हूँ कि हमारा आज का जो ये जो हमारा मतलब सेशन सीरीज रहेगी वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, सब के लिए यहाँ पर है ये यूजफुल. चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, केमिकल के हैं तो तब आपके लिए तो है ही. वो सभी स्टूडेंट्स जिनका हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ठीक है, सभी के लिए यूजफुल है. आ जाइए फटाफट सब लोग एंड मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्स टू मैक्स लोग यहाँ पर बेनिफिट सेशन का ले सकें. चलिए, तो हम मैंने क्या बताया कि हीट ट्रांसफ़र, अब ज़्यादा हम लोग टाइम बहुत ज़्यादा होने करके शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र सबसे पहले तो भाई हमें पता ही है, सबसे बड़ा हमारे लिए मोटिवेशन तो ये है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कि ये केमिकल इंजीनियरिंग के मेजर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आता है. मेजर सब्जेक्ट्स मैं क्यों बोल रही हूँ, मैंने आप सभी सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, मेजर कैटेगरी एंड माइनर कैटेगरी. मेजर कैटेगरी में वो सब्जेक्ट्स मैंने रख दिए जो जिनका ऑन एन एवरेज मार्क्सशीट 10 मार्क्स है, और माइनर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका ऑन एन एवरेज मार्क्सशीट 4 to 5 मार्क्स है. ठीक है, तो 4 to 5 मार्क्स ये हमारा किस में आता है, मेजर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आता है. पहले हम लोग अगर 2021 से पहले की बात करें या इनफैक्ट 2020 के पहले की भी बात करें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता था कि ऑन एन एवरेज मार्क्सशीट 8 मार्क्स था हीट ट्रांसफ़र का. बट अभी लास्ट 3 इयर्स के पेपर क्वेश्चन पेपर्स की अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है नहीं, अब हीट ट्रांसफ़र का वेटेज और ज़्यादा हो गया है. हम क्या देख रहे हैं, 10 से 11 मार्क्स, 11 टू 12 वेरी कर रहा है, इतने मार्क्स तक का हीट ट्रांसफ़र आ रहा है. जो ये मार्क्सशीट पहले सीआरई का हुआ करता था, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का हम बोलते थे कि 11 टू 12 मार्क का आता है यहाँ पर, बट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पिछले 2-3 सालों में हमें कुछ निराश कर रहा है. वहाँ पर उसका वेटेज ऑल ऑफ सडन हमें कम देखने को मिल रहा है, जितना पहले आता था 10 प्लस ही हमेशा आता था, बट अभी 10 से कम आ रहा है ना. बट हीट ट्रांसफ़र क्या है, 10 प्लस मार्क्स का आ रहा है. ठीक है, तो ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है. अगर हम लोग हीट ट्रांसफ़र लवर हैं तो हमारे लिए ये और अच्छी बात है कि चलो अब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर ग्रैब करने की यहाँ पर हमें एक चांस मिलेगा. चलिए देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र मैंने बताया कि भाई यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो मैं लिख दूँ. चलो मैं बोल रही हूँ 10 से 11 मार्क्स एट प्रेजेंट जो इसका स्केल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया. अब हमारी जर्नी कहाँ से, हम जर्नी अपनी अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे पास एक ऑन एन एवरेज टाइम की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90 to 100 डेज ही बचे हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए. तो हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को तेज़ी में कवर करेंगे, स्मार्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में. ठीक है, स्मार्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में करेंगे. तो मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं कराऊँगी कि मैं डेरिवेशन पार्ट्स करा रही हूँ. ठीक है, मैं वो आपको नहीं कराऊंगी. मैं आपको सारा कंसेप्ट बताऊंगी, फार्मूलाज बताऊंगी एंड डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगी. ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा, गेट में काम चल जाएगा. वो सभी की पॉइंट्स बताऊंगी जो ज़रूरी हैं. चलो, अब बात आती है कि मैं हीट ट्रांसफ़र को कितने चैप्टर्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाने वाली हूँ. तो मैं आपको इसे टोटल 6 चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ाने वाली हूँ. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन एंड द लास्ट वन इज इवेपोरेटर. बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, लास्ट वन इज एवेपोरेटर. ठीक,
ये तीन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई ये हमारे केमिकल में तो है, मैकेनिकल में भी है और बहुत ज्यादा डिटेल में ही है तीनों ही चैप्टर्स। दीज थ्री चैप्टर्स आर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्या है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है और हीट की मैं बात करूं तो हीट एक्सचेंजर मैकेनिकल केमिकल सभी में है। हीट एक्सचेंजर इज हीट ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन इज हीट ट्रांसपोर्ट फेनोमिना। दिस मनी फेनोमिना एंड एवेपोरेटर इज अगेन अ हीट ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ठीक, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो मैं बता दे रही हूँ कि आपके लिए एवेपोरेटर काम का नहीं है, आपके लिए एवेपोरेटर काम का नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, एवेपोरेटर चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी कि आप बस यहाँ तक बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन तक अटेंड करिए क्लास, फिर उसके बाद आप मत करना क्योंकि ये आपके लिए चैप्टर नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो हम लोग बिना कुछ लेट किए हुए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। हम जस्ट स्टार्ट कर दें एंड डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होता है। मैं कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन में डिफरेंसेस की बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हीट का ट्रांसफर सेम फेज में हो रहा है, सेम मीडियम में जिनको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग मीडियम यहाँ पर फेजेस की बात करें तो कितने हैं, सॉलिड लिक्विड फेज एंड गैस फेज। ठीक है, अगर सेम फेजेस में हमें देखने को मिल रहा है सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड एंड गैसेस टू गैसेस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन के थ्रू। दिस वन इज कंडक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर कंडक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अगर डिफरेंट मीडियम में हो रहा है, लाइक सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस या फिर गैस सॉलिड, तो क्या बोलेंगे, कन्वेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दिस वन इज, हाँ ठीक है, कन्वेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब ये मत बोलना कि मैम व्हाट अबाउट सॉलिड गैस, गैस लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड, हम यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, बट ये हमने देख लिया कि हाँ मतलब डिफरेंट मीडियम में। एंड व्हाट अबाउट रेडिएशन, रेडिएशन को, रेडिएशन एक स्पेसिफिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जो कि बहुत अलग होता है, एकदम अलग होता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से। ठीक है, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी कि एग्जैक्टली रेडिएशन होता कैसे है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि और क्या होता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में मेजर डिफरेंस, व्हेन देयर इज नो एनी एप्रिशिएबल मूवमेंट बिटवीन द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल्स, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल पार्टिकल भी, कि व्हेन देयर इज नो मूवमेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनी सॉलिड या लिक्विड या गैसेस, मतलब बल्क मोशन नहीं हो रहा है कुछ भी, कोई भी एप्रिशिएबल मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट। अगर मीडियम पूरा की पूरा बल्क मोशन में है तो हम उसे बोलेंगे कन्वेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ पर एप्रिशिएबल मूवमेंट देखने को मिलता है मीडियम में। ठीक है, यहाँ पर मीडियम में एप्रिशिएबल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं हम अगर बात कर लें रेडिएशन की, तो रेडिएशन को हम लोग बाद में अपना उस जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब करेंगे। अब देखिए कंडक्टिव एंड कन्वेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए यहाँ पर जब हम कंडक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर इज अ एसोसिएटेड लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट वन इज नोन एज फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन एंड द एसोसिएटेड लॉ फॉर मोड फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज न्यूटन रिकमैन्स लॉ ऑफ कूलिंग, भी उसे कुछ बोल सकते हैं, या सिंपल न्यूटन रिकमैन्स लॉ फॉर हीट ट्रांसफर। ठीक है, चलो तो अब हम बात करें कि यहाँ पर क्यू कंडक्शन एंड क्यू कन्वेक्शन में क्या होता है। क्यू कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूँ, क्यू कन्वेक्शन
is the combination of Q conduction as well as Q advection. Advection क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? Anyone? अगर एडवेक्शन के थ्रू रेट हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वाया कंडक्शन विल बी इट्सेल्फ एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वाया कन्वेक्शन, है ना? तो चलिए मुझे आप लोग बताइए कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय क्यू एडवेक्शन. एडवेक्शन से क्या समझते हैं, फटाफट बताइए सभी लोग. एडवेक्शन बताइए जल्दी. फास्ट कमेंट करिए सभी. गुड इवनिंग भगवान दास. अच्छा, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं? यस, बिल्कुल. आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल. हाँ, कन्वेक्शन में प्रॉब्लम रहता है शफिया, कोई बात नहीं, हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से. मुझे पता है मैं आपको कन्वेक्शन किस तरह से पढ़ाऊंगी. आपको मैं फ्लूइड के हाइड्रोडायनेमिक बिहेवियर एज वेल एज थर्मल बिहेवियर की कंपेरेटिव स्टडी कराते हुए पढ़ाऊंगी. दोनों को मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कंबाइंड फॉर्म में पढ़ाने वाली हूँ आपको. तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपका जितना भी डाउट्स रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आपको कन्वेक्शन में आता है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी. ओके, डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर में भी शुरू करवाएं, सब होगा शफिया, डोंट वरी, सब कुछ होगा. अभी तो ये एक ही सेशन नहीं, ये पूरी सीरीज चलेगी. थैंक यू सो मच अभिषेक. कन्वेक्शन का एग्जाम्पल बता दें, ठीक है? चलो हम लोग मैं सबका बताती हूँ. कौन सा सब्जेक्ट है साहिल? साहिल, ये है हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये है हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट. देखो अब एक चीज समझो, एक चीज हमें क्या समझना है कि यहाँ पर हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं एग्जाम्पल कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का. देखिए ये मैंने क्या किया, मैंने एक ये पैन लिया, ठीक, ये कोई पैन है, इस पे मैंने वाटर ले लिया. सपोज दैट ये कोई लिक्विड है, मैं वाटर ही मान ले रही हूँ कि वाटर है. इस पैन को मैंने क्या किया, इस पैन को मैंने फ्लेम पे रख दिया, इस प्लेन मैंने फ्लेम पर, ठीक, दिस वन इज फ्लेम, दिस वन इज फ्लेम, ठीक. आप देखो यहाँ मुझे बताओ, जस्ट रेज योर हैंड्स कि यहाँ पर कौन कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, कौन कौन से मोड्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा. फास्ट सब लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से मोड्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर अपने को देखने को मिलेगा. सभी लोग सिर्फ कंडक्शन या सिर्फ कन्वेक्शन, कंडक्शन या फिर सिर्फ रेडिएशन, या फिर कंडक्शन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन रेडिएशन, या फिर रेडिएशन कंडक्शन, मतलब मैं सारी पॉसिबिलिटीज बता दे रही हूँ, या फिर तीनों ही मोड्स के थ्रू देखने को मिलेगा. फटाफट मुझे बताइए. बताइए भाई कौन कौन से मोड्स के थ्रू यहाँ पर हीट का ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों ही मोड्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है ना? ये तो इतना ऐसा एग्जांपल है कि हम डेली डेली अपने घर में ही देखते हैं, है ना? ऐसा हम घर में डेली देख रहे होते हैं. चलो देखो तो किस तरह से होगा. सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की, ये दिस वन इज द बॉटम सर्फेस ऑफ द पैन, है ना? बॉटम सर्फेस ऑफ द पैन, ये क्या है, सॉलिड है और ये सॉलिड है. सॉलिड टू सॉलिड
इसकी सॉलिड टू सॉलिड क्या है, सेम मीडियम है, सेम मीडियम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा। देन यहां से अगर मैं बात करूं, यहां ये क्या है, सॉलिड है, एंड फर्स्ट लेयर, फर्स्ट हाइपोथेटिकल लेयर ऑफ दिस लिक्विड इज व्हाट, इज इन लिक्विड फॉर्म। तो सॉलिड लिक्विड है तो आया कन्वेक्शन, यहां पर हीट का ट्रांसफर होगा एडजेसेंट लेयर्स में एंड लेयर टू लेयर। अब देखो अगेन बात आती है कि यहां पर कन्वेक्शन हो गया, फिर देखो क्या होगा, फिर हमें क्या देखने को मिलेगा। अब बोलो कि ये हाइपोथेटिकल लेयर और इस हाइपोथेटिकल लेयर दोनों सेम ही फेज में है, सेम दोनों फेज में है लिक्विड टू लिक्विड, फिर इसके बाद ये भी सेम फेज में, ये भी सेम फेज में, ये भी सेम फेज में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहां पर भी तो कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो कंडक्शन के थ्रू क्या सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा, चलो देखते हैं। अभी अभी इतना इतना होल्ड करते हैं। अब यहाँ की देखो बात, यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड फेज है, ये लिक्विड फेज है, एंड बाहर क्या है, एयर है, टू लिक्विड टू गैस अगेन कन्वेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगेन कन्वेक्शन। अब देखो हमें यहाँ पर कंडक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैसेस में भी कंडक्शन देखने को मिलता है कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसपोर्ट। बट कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन हमेशा सॉलिड सॉलिड में नहीं देखने को मिलता है ना, ये फ्लूइड्स में ही देखने को मिलता है, या तो फ्लूइड्स में होगा या फिर सरफेस हो, है ना, ऐसा है तो ये फ्लूइड्स में, ये सरफेस है। यहाँ पर सॉलिड में यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड है तब भी कन्वेक्शन ही होगा। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विड टू लिक्विड कंडक्शन ही हो रहा है, बट होगा क्या, अब यहाँ से यहाँ तक है तो कंडक्शन ही, बट होगा क्या कि यहाँ पर ये वाला, यहाँ टेम्परेचर वाली लेयर की बात मैं करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई है एज कंपेयर टू दिस लेयर, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी लो होगी, और यहाँ इस वाली लेयर की टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो है तो डेंसिटी हाई होगी। तो अब देखो भाई होता क्या है, ये जो हाई डेंसिटी फ्लूइड लेयर्स हैं ये क्या होगी, मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो डेंसिटी लो, और यहाँ लो टेम्परेचर तो डेंसिटी हाई। ठीक, तो ये जो हाई डेंसिटी फ्लूइड लेयर्स हैं वो बॉटम में आकर के सिंक करने की टेंडेंसी रखती हैं, और ये जो लोअर डेंसिटी फ्लूइड लेयर्स हैं वो टॉप पे जाकर के फ्लोट करने की टेंडेंसी रखेंगे, है ना। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, वाया नेचुरल सर्कुलेशन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से नेचुरल सर्कुलेशन करंट्स डेवलप हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा फ्लूइड एक टाइम के बाद बल्क मोशन में आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ लेयर जा रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। तो ठीक है, सेम मीडियम तो था बट यहां पर पूरा की पूरा मीडियम बल्क मोशन में आ गया। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर अंदर यहां कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट क्यों है, कि जब कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट था सिंपल, फिर उसके बाद क्यू एडवेक्शन इज व्हाट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू बल्क फ्लूइड मोशन इज नोन एज एडवेक्टिव रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, यहां पर बल्क मोशन के थ्रू, बल्क फ्लूइड मोशन के थ्रू जितना हीट ट्रांसपोर्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे एडवेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट। जब ये रेट इसमें एड हो जाएगा तो वो पूरा की पूरा बन जाएगा कन्वेक्शन। अब समझ आया, तो ये मैक्सिमम लोगों का रहता है डाउट। अब देखो एक सर्टेन टाइम बाद जब क्या होगा कि धीरे 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 यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है सॉलिड सरफेस का, तो फिर रेडिएटिव हीट फ्लक्स बिहेवियर में आ जाएगा, रेडिएशन के थ्रू भी हीट का ट्रांसफर होगा। हम जनरली रेडिएशन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा टेम्परेचर पर है तो वो किसी ना किसी सर्टेन वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट करती है, बट हम हर एक की यहां पर हर एक वेवलेंथ की एमिटेड एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस वेवलेंथ की एनर्जी को कंसीडर करते हैं जो अगर हमारी ह्यूमन बॉडी पे पड़ जाए तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, और अगर वही ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाए तो वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे, है ना।
ये एक आइडियल डेफिनेशन इनिशियल डेफिनेशन रेडिएशन की हो जाती है, बट यहाँ पर तो हम देख के आ रहे हैं धीरे 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 टेम्परेचर यहाँ काफी ज्यादा हाई हो रहा है, तो अब वहां पर रेडिएशन के थ्रू भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एंड यहाँ पर किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ये एक ऐसा स्पेशल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जहां पर ऐसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर ये बोल रहे हैं कि मीडियम कैसा स्टिल होना चाहिए, कुछ भी वहां पर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ठीक है पूरा की पूरा मीडियम ही मूव करने लगता है, और यहां पर बोल रहे हैं कि भाई हमें तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने में। ठीक है, तो यहां से यहां तक हम लोग देखते हैं, यहां से इसके हीट सोर्स से लेकर के यहां तक ये बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक। उसी तरह से हमें क्या करना है, ये फुटबॉल ग्राउंड में पड़ी है, हमें क्या करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि इसको हम क्या करें, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर कुछ पार्क में किड्स खेल रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आपने क्या किया यहाँ पर जो है उसने उसको पास किया और इस तरह से पूरा यहाँ पर इसका मूवमेंट हो गया। ठीक है, ट्रांसफर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर से ये मीडियम खुद जाकर के यहाँ पर जाकर के उसको ट्रांसफर करके आए, मीडियम में मूवमेंट देखने को मिल गया, तो ये क्या हो गया कन्वेक्शन हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि ना तो इसे ये पास करे ना खुद जाए, ये इसे क्या कर दे किक कर दे, यहीं से किक करके वहां पहुंचा दे, तो किसी मीडियम की ही जरूरत नहीं पड़ी, तो ये रेडिएशन है। ठीक है, चलो तो मैं ज्यादा इसको नहीं बता रही हूँ, हमारा क्रैश कोर्स है तो हम लोग इसे क्रिस फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो कहाँ थे हम, यस चलो देखते हैं अब क्या गलत था आपका बेटा, कन्वेक्शन कन्डक्शन नहीं रेडिएशन भी होगा यहाँ पर। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं एसोसिएटेड लॉ ऑफ हीट कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स फूरियर ऑफ हीट कंडक्शन, फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। ठीक है, ऐसा जब करेंगे ये कहता क्या है भाई, सबसे पहले तो अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं है ना, तो इसके अजम्पशंस को जान ले, क्योंकि इसके अजम्पशन को इनके जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे जनरल हीट कंडक्शन, स्पेशली जब जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसको पढ़ने का। तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पर हमने बहुत सारे अजम्पशंस, मतलब हमने नहीं, इन्होंने बहुत सारे अजम्पशंस यहाँ पर लिए थे और हमें एक रिजल्ट दिया था, फिर हमें क्या करना है वन बाय वन हमें सभी अजम्पशंस को रिमूव करते हुए जनरल हीट कंडक्शन को पढ़ना है, गॉट इट। चलो तो अजम्पशंस हम लोग सबसे पहले देख लें कि कौन कौन से होते हैं। पहला इन्होंने क्या किया, ये बोल रहे हैं इन्होंने कोई फ्लैट एरिया ज्योमेट्री ली। देखो ज्योमेट्रीज दो तरीके की होती है, एक कांस्टेंट एरिया ज्योमेट्री, एक होती है वेरिएबल एरिया ज्योमेट्री। कांस्टेंट एरिया ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री होती है जिसका पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर एरिया वेरी नहीं कर रहा होता है, एंड एरिया कौन सा कंसीडर करेंगे, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसपोर्ट, वो एरिया बिल्कुल भी वेरी अगर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो कांस्टेंट एरिया ज्योमेट्री होगी। और अगर एरिया पॉइंट टू पॉइंट इन द डायरेक्शन, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसपोर्ट वो अगर वेरी कर रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल एरिया ज्योमेट्री। तो इन्होंने एक कांस्टेंट एरिया ज्योमेट्री ली और उस पर एक्सपेरिमेंट किए। कांस्टेंट एरिया ज्योमेट्री के लिए सपोज दैट कि ये इन्होंने एक स्लैब लिया, ठीक है, दिस वन इज अ कांस्टेंट एरिया ज्योमेट्री। यहाँ पर इन्होंने बोला वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर तो वैसे क्या होगा, कोई भी अगर ज्योमेट्री है तो उसका वेरियस डायमेंशंस में होगा हीट का ट्रांसफर। अगर 3D ज्योमेट्री हम अज्यूम कर रहे हैं तो उसका 3D हीट ट्रांसफर वहां देखने को मिलेगा, बट इन्होंने बताया कि हम मान के चल रहे हैं कि देयर इज ओनली वन डायमेंशनल हीट फ्लो। दूसरा इन्होंने बताया कि सर्फेसेज आर आइसोथर्मल,
सर्फेसेज आर आइसोथर्मल. मैं अभी लिख दे रही हूँ, फिर सबका मतलब बताऊंगी अभी आपको. सर्फेसेज आर आइसोथर्मल. तीसरा इन्होंने हमें क्या बताया, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर. स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर. और क्या है, के रिमेन्स कॉन्स्टेंट. के इज वॉट, थर्मल कंडक्टिविटी. अभी सब कुछ मैं बताऊंगी. के रिमेन्स कॉन्स्टेंट. और इन्होंने एक अजम्पशंस क्या लिया, वॉट एवर हीट विल एंटर नथिंग विल रिटेन इन साइड द मटीरियल दैट विल द सेम अमाउंट ऑफ द हीट विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द अनदर साइड. दैट मीन्स क्यू इन इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्यू आउट. और साथ ही साथ क्या कि यहां पर क्यू जेनरेशन और क्यू कंजम्पशन बोथ आर नेग्लेजिबल. ठीक है, ऐसा. अब देखो भाई, वन डायमेंशनल हीट फ्लो मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ सपोज दैट देयर हियर द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज गिवन एज एल. ठीक है, ये एल है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इज इक्वल टू एल है. ठीक है, तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सिर्फ एक्स, वन डायमेंशनल हीट फ्लो. यहां पर जो टेम्परेचर है वो टी वन मेंटेन है लेफ्ट सर्फेस का, राइट सर्फेस का टेम्परेचर जो है वो टी टू मेंटेन है. यहां पर जो टी वन मेंटेन है वो यहां पर इस पर्टिकुलर एक्स पर, पर्टिकुलर एक्स पर हर जगह सेम है ना, हर एक पॉइंट पे सेम है, ये वेरी नहीं कर रहा है. दैट मीन्स सर्फेसेज आर आइसोथर्मल. अगर यहां पर वेरिएशन देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर अलॉन्ग द थिकनेस ऑफ द स्लैब ऐसे देखने को मिलेगा. यहां पर टेम्परेचर कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा. बट यहां पर हम लोग कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक, यहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि लेट सपोज दैट दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो क्यू इन एंड दिस वन इज क्यू आउट, और जो दोनों इक्वल हैं. ठीक, तो यहां पर परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, दिस वन वुड बी द परपेंडिकुलर एरिया. ये परपेंडिकुलर एरिया है. एक्स डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो एरिया परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वाई एंड जेड वाला, वाई एंड जेड जो बनाएंगी एक्सिस. तो इसी वजह से यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई सर्फेसेस आर आइसोथर्मल. ये समझ आया आपको. अब ये जो है यहां पर स्लैब, ये जो स्लैब लिए है इसकी कोई ना कोई अपनी थर्मल कंडक्टिविटी होती है. थर्मल कंडक्टिविटी इज द हीट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल. That means the capacity of heat to transport the capacity of the material to transport heat from one point to another point. Or can say thermal conductivity tells us how fast the heat is going to transfer from one point to another point within the given material. ठीक है, ये है. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भैया थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो अदर पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रही है, ऐसा इन्होंने बोला. जबकि यहाँ पर स्पेशली टेम्परेचर के साथ यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है इन एक्चुअल. अदर पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, बट इन्होंने बोलता कि नहीं हम कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं. ठीक, और इन्होंने क्या बताया कि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा इन्होंने बताया. और क्या बोल रहे हैं कि वॉट एवर हीट विल एंटर नथिंग विल रिटेन इन साइड द मटीरियल दैट मीन्स द सेम अमाउंट ऑफ द हीट विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द अनदर साइड. तो हम लोग इसे Q और Q दोनों लिख सकते हैं, इसे हम लोग Q और Q ही सिर्फ लिख दें, चल गया काम. चलो, तो अब इन्होंने हमें क्या बताया, ये बोल रहे हैं, इन्होंने हमें बताया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब बोला कि रेट हीट फ्लक्स is directly proportional to temperature gradient delta T by delta X. ठीक, और ये negative इसलिए कि जैसे जैसे हम लोग x direction में move कर रहे हैं यहाँ पर temperature में decrement आ रहा है, because heat के transfer की direction क्या है, T1 to T2 यहाँ पर heat के transfer की direction है. that means T1 is greater than T2. ये क्या बता रहा है कि भैया T1 is greater than T2. क्यों?
तभी तो जाकर हाई थर्मल पोटेंशियल से लोअर, हायर थर्मल पोटेंशियल से लोअर थर्मल पोटेंशियल की तरफ हीट का ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो रहा है बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के, किसी मतलब अदर कुछ डिस्टर्बेंसेस के, ठीक है। तो ये तो क्लियर है ना, तभी यहां से टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि T1 इज ग्रेटर दैन T2 ऑलरेडी, ठीक। तो अब ये हीट फ्लक्स है, हीट फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, एंड एरिया इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। अभी मैं थोड़ा सा, आज का सेशन हमारा स्लो रहेगा क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन होता है और वहाँ पर छोटी छोटी सी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से हमारा बेस डेवलप होगा, ठीक है। तो आज कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो रहेगा, डोंट वरी। इसको हमने हटाया, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आया, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, और आप हम लोग अगर इसका रेट ऑफ वेरिएशन लिख रहे हैं टेम्परेचर में एक्स के साथ वेरिएशन कैसे आ रहा है, तो हम लोग इसे डी टी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो वो भी ठीक है। तो मैं इसे डी टी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख दे रही हूँ, समझ आया, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड दिस वन इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। चलो ये तो रहा कि फूरियर का इन्होंने हमें एक लॉ बता दिया, इन्होंने हमारा हमें एक लॉ बता दिया इतने सारे अजम्पशंस के साथ। अब फूरियर के एप्लीकेशन देखेंगे कि इन एक्चुअल जब प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो फूरियर के एप्लीकेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो फूरियर के एप्लीकेशन को हम लोग फॉर कॉन्स्टेंट एरिया ज्योमेट्री एज वेल एज फॉर वेरिएबल एरिया ज्योमेट्री दोनों के लिए ही देख लें। तो देखो फूरियर एप्लीकेशन मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है भाई, फूरियर एप्लीकेशन, फूरियर एप्लीकेशंस, ठीक है, ये हैं। तो देखो भैया पर फूरियर के एप्लीकेशन हम लोग किसके लिए लिख दे रहे हैं, पहले फॉर रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए देखो मैं अभी सबके डाउट्स लूंगी, डोंट वरी, अगर किसी का कुछ डाउट चल रहा है तो। यहाँ पर वही अगेन, दिस वन इज अ स्लैब ऑफ थिकनेस एल, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एल, दिस वन इज टेम्परेचर टी वन हियर, एंड हियर टेम्परेचर इज टी टू, ओके। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लिया। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डी टी है कुछ, और यहाँ पर इसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स है। चलो तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फूरियर के एप्लीकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें फूरियर लॉ यूज करना पड़ेगा। क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू के और ए माइनस डी टी बाय डी एक्स, ठीक है, यही तो हमने लिखा, ठीक है, ऐसा लिखा। अब देखो भाई यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको हमने क्या लिख दिया, जीरो टू एल डी एक्स, और हो गया क्या, के ए बाय क्यू, और ये क्या हो गया, टी वन टू टी टू माइनस डी टी, है ना, ऐसा हुआ। इसको चलो एक काम करते हैं, हमने इसे क्या लिखा, ये हो जाएगा एल, और ये क्या हो जाएगा, के ए बाय क्यू, एंड ये क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू, हम इसे लिख दें नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करते हुए। तो यहाँ से भाई देखो के की क्यू की वैल्यू क्या होगी, टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय एल बाय के ए, ऐसा हो गया। आप देखो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ये जैसे कि ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, हम लोग इससे पहले क्या बोलते थे, दिस वन इज रेट ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर का जब पढ़ रहे होते तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग वहां पर क्या बोलते थे, I इज इक्वल टू वी बाय आर ओवर ऑल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रेशियो ओवर ऑल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये लिखते थे। तो यहां पर भी ये सेम ही है, हमने यहां पर भी इसको सेम लिखा, दिस वन इज टी वन माइनस टी टू इज द ओवर ऑल थर्मल पोटेंशियल, एंड एल बाई के इज ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ पर थर्मल फॉर्म में हमने यहाँ पर, बिकॉज हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे होते थे इस तरह से, एनर्जी जो हम लोग बोलते थे करंट हो रहा है फ्लो, एंड यहाँ पर हम क्या लिखते थे V, ठीक है, और हम लोग इसको क्या लिखते थे, दिस वन इज वॉट R, ठीक है, ऐसे ही तो कुछ लिख रहे होते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप ओवरऑल थर्मल पोटेंशियल, इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल नहीं, हम लोग थर्मल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात, मतलब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो दिस वन इज थर्मल रेजिस्टेंस, एंड आई की जगह यहाँ पर क्या होगा, क्यू होगा। बस सब वही है जो हमेशा से हम पढ़ते चले आए हैं, कुछ अलग है क्या, कुछ अलग है क्या, सब कुछ तो वही है। और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लगेगा, विद इन द थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक। अब इसी तरह से इनके एप्लीकेशन देखने को मिले फॉर वेरिएबल एरिया ज्योमेट्री लाइक हॉलो स्फीयर एंड हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या, सब कुछ क्लियर है? चलो यहाँ तक मुझे बताओ फास्ट। चलो अब हम लोग किसके लिए लिखते हैं, फॉर हॉलो सिलेंडर एंड हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए देखो कैसे होगा। अब हमने क्या किया, लेट सपोज दैट this one is the cross sectional area of hollow cylinder बोल रहे हैं, ठीक है, hollow cylinder हम ले रहे हैं यहाँ पर। इसको देखो हमने इस तरह से extend किया, ये किया, ठीक, ये किया, यही तो है, ठीक। चलो तो हमने ये क्या, let's suppose that the length of the cylinder is what, L, यहाँ हमने L मान लिया, दिस वन इज वॉट R, वॉट R1, वन इज वॉट R2, एंड हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने ये क्या है, इनर पाइप हो गया, और दिस वन इज द एनलस, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो पाइप सपोज दैट कोई, तो हमने यहाँ पर एनलस पे क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लिया, हमने यहाँ पर एनलस में यहाँ पर अज्यूम कर लिया, ठीक। And let's suppose that the thickness of this small cross section is dr. यहाँ पर क्या है, ये dr है, and यहाँ पर temperature कितना है, यहाँ पर temperature dt है, temperature difference basically. And ये जो है radial distance, इसको हम बोल रहे हैं simple r. ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर भी यही, इसका अगर हम लोग दिखाएं इसका projection, तो इसका प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, वही सेम थिकनेस dr और टेम्परेचर डिफरेंस dt। चलो भाई, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या पता है, हमें यहाँ पता है q इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाय डी आर, ऐसा लिख दिया हमने। चलो भाई, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एरिया आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको एरिया लिखना पड़ेगा माइनस एरिया 2 पाई आर एल, बिकॉज एरिया 2 पाई आर एल ही हमने क्यों लिखा, यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, इस डायरेक्शन में हो रहा है हीट का ट्रांसफर, तो यहाँ पर एरिया कौन सा होगा, परपेंडिकुलर एरिया, ये वाला एरिया, परपेंडिकुलर एरिया इज वॉट क्रॉस कर्व्ड सरफेस एरिया, नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के कर्व सरफेस एरिया है, तो हमने इसे 2 पाई आर एल लिखा, एंड ये क्या हो गया डी टी बाय डी आर, अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। चलो हमने क्या किया, हमने इसे आर वन टू आर टू हमने इंटीग्रेट कर दिया, और ये बचा कितना डी आर वन अपॉन आर
बस ये क्या बचा हमारा, माइनस के इंटू टू पाई एल डिवाइडेड बाई क्यू, एंड ये क्या हुआ टी वन टू टी टू डी टी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, लॉग आर टू बाय आर वन, है ना। तो जब आप इसे ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू लॉग आर टू बाय आर वन डिवाइडेड बाय टू पाए के एल। देखिए यहाँ पर टी वन माइनस टी टू क्या है, थर्मल पोटेंशियल है, एंड इस टर्म की अगर बात मैं करूँ तो दिस वन इज वॉट, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर वेरिएबल एरिया बैटरी लाइक हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर का केस है तो वहाँ पर आपको ये याद रखना है स्पेशली, ये थर्मल पोटेंशियल तो वहाँ पर भी टी वन माइनस टी टू था, यहाँ पर भी है, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस याद रखना है खास करके, इसलिए क्योंकि आपको ये डायरेक्ट वैल्यू की ज़रूरत क्वेश्चंस में पड़ेगी। मैं जो जो फॉर्मूलास को यहाँ पर एस्ट्रिक कर दे रही हूँ, है ना, स्टार मार्क कर दे रही हूँ, वो आपको एकदम रटने हैं, ठीक है। चलो अब इसी तरह से हम लोग स्फेयर के लिए अगर बात करें तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रही हूँ कि किस तरह से आएगा, फॉर स्फेयर, फॉर हॉलो स्फेयर, तो उसके लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा, फॉर होलो स्फेयर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो भाई सेम वही, यहाँ पर बस एरिया क्या होगा इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी आर, जहाँ पर हमारा यहाँ पर एरिया हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वेयर, और ये क्या हो गया डी टी बाई डी आर, ठीक है, डी टी बाई डी आर। तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेम वही सारी सब कुछ इंटीग्रेशन करते हुए, तो आपको फाइनली यहाँ पर मिलेगा क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू डिवाइडेड बाय फोर पाई के, ठीक है, फोर पाई के। एंड यहाँ पर फॉर हॉलो स्फेयर दिस वन इज द थर्मल रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस खास करके आपको। क्लियर, चलो तो यहाँ पर ये सब तो हो गया कि हमने वेरिएबल एरिया ज्योमेट्री, फिक्स्ड एरिया ज्योमेट्री के लिए फूरियर के एप्लीकेशंस लिख दिए। फूरियर के एप्लीकेशंस अगर आपने किए हैं और फूरियर्स लॉ को यूज़ किया है एज इट इज़, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फूरियर्स के अजम्पशंस थे वही अजम्पशंस यहाँ सब चीज़ पे भी एप्लीकेबल हैं, सेम अजम्पशंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हम लोग सभी अजम्पशंस को वन बाय वन रिमूव करते हैं तो एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिलेगा, जनरल हीट कंडक्शन फॉर्म, है ना। तो उसको हम लोग कल से डिस्कस करेंगे, जनरल हीट कंडक्शन विद बाउंड्री कंडीशन, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर कंडक्शन में किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो जनरल हीट कंडक्शन से ही आता है, हर साल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हर साल टू टू फोर मार्क्स हर बार ऐसा, जब 2+2 का कॉम्बिनेशन था तो कंडक्शन का क्वेश्चन आपका मतलब यहाँ पर जनरल हीट कंडक्शन विद बाउंड्री कंडीशन से अक्सर देखने को मिलता था कि 2+2 के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब आज हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट नहीं है, सपोज दैट थर्मल कंडक्टिविटी पैरामीटर्स के साथ वेरी कर रही है, तो सभी पैरामीटर्स के साथ किस तरह से वेरिएशन शो करती है उसको हम लोग देख लें। कल हम लोग जनरल हीट कंडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि कल वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग, मैं उसको लेंथी टॉपिक है, आज कवर नहीं हो पाएगा, तो आज हम लोग उससे पहले वाला छोटा वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, है ना। चलो तो यहाँ तक सबको कवर क्लियर है ना, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
कैन मैकेनिकल स्टूडेंट, आशुतोष बिल्कुल बिल्कुल, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए भी पूरा की पूरा यूजफुल सेशन है ना, सब कुछ। कन्वेक्शन तो डिफरेंट फेजेस में होती है ना, तो लिक्विड लिक्विड तीले में जब गर्म हो रहा है तो कन्वेक्शन क्यों? शफिया मैंने बताया बेटा आपको, अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह से होगा वो कन्वेक्शन, क्योंकि वहां पर एडवेक्शन देखने को मिल रहा है, पूरा की पूरा फ्लूइड बल्क मोशन में आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। वहां पर नेचुरल सर्कुलेशन करेंट्स डेवलप हो गई जो जो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम मीडियम, वहां पर मीडियम तो सेम है बट वहां पर मोशन है पूरा की पूरा मीडियम में। मेरा लैग होना शुरू हो गया है, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा अब। इट्स ओके अनुराग, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, डोंट वरी। लैग अगर हो रहा है आपका, हो सकता है आपने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, आपके पास आपका नेट नहीं रहा होगा डेटा, तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना, अवेलेबल रहेगा प्लेटफॉर्म में। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड मैम, बाकी सब्जेक्ट्स भी आ गए ना यूट्यूब में फॉर गेट 2024? अच्छा आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, आएंगे द सब्जेक्ट्स। बुक कौन सी चाहिए? तो देखो 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि अभी किसी बुक को फॉलो मत करो। बुक को फॉलो करना हमेशा बहुत अच्छी बात होती है, करना ही चाहिए, बट अभी टाइम नहीं है उतना। तो आप मैं आपको यहाँ पर जो कंटेंट डिलीवर करूँगी आप उसके लिए यू जस्ट डोंट वरी, है ना। मैंने मल्टीपल बुक्स को ऑलरेडी रीड करके जो सभी का एक मेन हमारा आता है कि मैंने एक स्मार्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में अपना कॉन्टेंट रेडी किया है एंड वही मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप परेशान मत हो। और लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप फर्दर आगे भी कभी, या फिर गेट 2025 को प्लान कोई कर रहा है या फिर पढ़ना है कि नहीं, बुक तो जानने का हमारा बिल्कुल हक है, तो यस। तो आपके लिए यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमें मैकैब स्मिथ, सारे केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो मैकैब स्मिथ फॉलो करेंगे। मैकैब स्मिथ इज़ द बाइबल फॉर द केमिकल इंजीनियर्स, ठीक है। इसे बाइबल ऑफ द केमिकल इंजीनियर्स क्यों बोला गया है? बिकॉज इसका हर एक पेज की, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप इतनी जो थिकनेस की एक बुक है उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं और सब कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसा नहीं है कि छोड़ने वाला हो। बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बुक है, ठीक, मैकैब स्मिथ। दूसरी चीज़ आप हॉलमन कर सकते हैं, ठीक है, हॉलमन, जेपी हॉलमन, ठीक है। आप और कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं? आप सेंजल कर सकते हैं। सेंजल डिटेल्ड बुक है, डिटेल में आपको पढ़ना है हीट ट्रांसफर, तो सेंजल से अच्छी बुक नहीं है। वो आराम से बच्चों की तरह समझा के, प्यार से, छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स दे करके समझाएंगे और आपको बहुत यहाँ पर ना एग्जैक्टली यहाँ घर कर जाएंगे सारे कंसेप्ट। लेकिन वो टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम टेकिंग बुक है लेकिन बहुत अच्छी है, ठीक है। सेंजल आप पढ़ सकते हैं, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है। फिर आपके पास इंडियन ऑथर्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सीपी अरोरा फॉलो कर सकते हैं, आप आरके राजपूत फॉलो कर सकते हैं, डीएस कुमार फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हीट एक्सचेंजर स्पेशली पढ़ना है तो डीक्यू कर्ण की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। देर आर एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन दिस मार्केट, बीके दत्ता भी है, तो आपके पास इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट ये सभी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है। चलो, कोठारी भी है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। मैम कब तक स्टार्ट होगा बाकी सब्जेक्ट्स? बेटा अभी तो ये मैंने हीट ट्रांसफर स्टार्ट किया है, जैसे मैंने मास ट्रांसफर को बहुत ही आपको खुद ही लग रहा होगा कि मास ट्रांसफर को मैंने तेजी से कवर किया है, हीट ट्रांसफर भी आपका तेजी से कवर होगा, फिर अदर सब्जेक्ट्स वन बाय वन, है ना, तो परेशान मत हो। चलो अब बात आती है, क्या बात क्या आती है कि हमें देखना है यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? तो मैंने क्या बताया, दिस वन इज द हीट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू
another point, thermal conductivity और हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ये भी शो करती है कि किसी भी गिवन मटेरियल में कितनी तेजी से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, चलो अब अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर्स का फंक्शन होती है, तो के इज द फंक्शन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, फेज इन्वॉल्व्ड, केमिकल कॉम्पोजिशन, और void spaces, अगर porous solid है तो void spaces, इन सब का भी होता है, and so on, ठीक है, चलो। और क्या क्या होता है, thermal conductivity जो है वो spatial coordinates के respect में भी vary करती है, spatial coordinates का भी function होती है। अगर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें क्या देख मिलता है, if thermal conductivity is a spatial coordinates, है तो इसका मतलब क्या है कि kx is not equal to kz, है ना, ये सभी डायरेक्शन में डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी शो कर रहा है। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, इसे हम लोग एनिसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। और अगर थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स, दैट मींस kx इज एग्जैक्टली इक्वल टू ky इज एग्जैक्टली, तो हम लोग इसे बोलेंगे कि भाई ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। ये क्या है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, ठीक है, चलो ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन हम लोग स्पेशली किसके लिए अलग से देखेंगे अभी। प्रेशर के साथ वेरिएशन, हमें क्या पता है कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड, सॉलिड, गैस सबकी अलग अलग होती है, मतलब फेजेस इन्वॉल्व्ड, फेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। थर्मल कंडक्टिविटी वुड बी द फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली व्हेन हीट ट्रांसफर इज गोइंग टू टेक प्लेस इन गैसेस ओनली। सॉलिड एंड लिक्विड के केस में प्रेशर में अगर वेरिएशन हो रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी में एसएच कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, है ना, गैसेस में सिर्फ देखने को मिलता है। चलो तो अब हम अदर ये जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ वेरिएशन देख लें कि किस तरह से होता है। फेजेस इन्वॉल्व्ड, है ना, फेजेस इन्वॉल्व्ड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हमें जनरली देखने को क्या मिलता है कि जो सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, और गैसेस की सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की एंड सबसे कम गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी। बट सपोज दैट कि कोई सॉलिड है जो पोरस है, पोरस सॉलिड मींस कि लेट सपोज दैट सॉलिड है, यहाँ पर इसकी सरफेस में एन नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर इसकी सरफेस में एन नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ, तो अब बात आती है कि इस सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी का क्या सीक्वेंस होगा, बिकॉज ये तो पोरस सॉलिड है, पोरस सॉलिड है तो इसकी पोर्स में क्या ट्रैप है, गैस ट्रैप है, एयर है, कोई गैस होगी अगर किसी पर्टिकुलर गैस के एम्बियंट में है, या फिर ओपन टू एटमोसफियर है तो यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाएगी, एंड एयर इज वॉट, गैस, गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी से बहुत कम होती है, तो ये क्या करेगी अल्टीमेटली, इस होल सॉलिड अगर ये होता तो उसकी कंपैरेटिवली इसकी काफ़ी कम होगी थर्मल कंडक्टिविटी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बात है कि जो सॉलिड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पोरस सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गैसेस की लिक्विड्स की थर्मल कंडक्टिविटी होती है, एंड देन प्योर गैसेस की।
अब ये चीज कभी कभी होता है कि मैम क्या हमेशा ऐसा देखने को मिलता है क्या कि पोरस सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड से ज्यादा हो? तो नो, हमेशा ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, बट वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पोर्स किसी भी सॉलिड की सरफेस पे कितने ज्यादा हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोर्स होंगे उतनी ही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज उसमें गैस ट्रैप होती जा रही है, वो उसको सप्रेस कर देगी। तो कभी कभी कुछ कुछ केसेस में हम देखते हैं कि भाई अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है लिक्विड की भी थर्मल कंडक्टिविटी से पोरस सॉलिड की कम हो गई, अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वहाँ पर पोर्स हैं। और फिर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर टोटल सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी, किसी लिक्विड के लिए हम क्या बोल रहे हैं, और क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी गैस ट्रैप हो रही है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। सबकी सेम तो नहीं होती है ना, तो ये डिपेंड करेगा। चलो, ये हमेशा नहीं ऐसा होता। अब हम बात करेंगे कि केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है। वॉइड स्पेसेस का हमने देख लिया आ रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या फर्क आता है ये देख लें हम। केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या फर्क है, देखो भाई होता क्या है कि लेट सपोज दैट कि हमने कोई दो बेस मेटल्स ले ली, इसका हमने एलॉय बना दिया, इसका हमने एलॉय बना दिया, एलॉय क्या है, सी है। तो इसकी कोई थर्मल कंडक्टिविटी K1 थी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 थी, एंड इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। तो होता क्या है, अगर ये एलॉय है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अपनी दोनों ही बेस मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी से कम होगी, K will be less than K1 and K will be less than K2 also. आप क्या करें, आप एक बार चेक कर लें कि आप कोई भी दो बेस मेटल्स ले लीजिए, लाइक आप कॉपर एंड एल्यूमिनियम ले लीजिए, उसका जो आप बनाएंगे एलॉय ब्रॉन्ज, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी देख लीजिए। तो आप देखेंगे क्या कि ब्रॉन्ज की थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर एज वेल एज एल्यूमिनियम दोनों से ही बहुत कम होती है, ठीक है, दोनों से ही काफ़ी कम होती है। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी हम देखते हैं 400 समथिंग, एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी 200 समथिंग, एंड ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी ओनली नियर अबाउट 52 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करीब 432 to 225 नियर अबाउट ऐसे ही देखते हैं, एंड यहाँ पर 52 एग्जैक्टली, मेरे को एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, बट येस इसकी बहुत कम होती है ब्रॉन्ज की एल्यूमिनियम एंड कॉपर से, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द वेरिएशन विद टेम्परेचर, व्हाट वुड बी द वेरिएशन विद टेम्परेचर, ये किस तरह से होगा, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, देखो भैया वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से हम पढ़ेंगे। वी नो दैट अभी क्या है, यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या लिख रहे थे, क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू के माइनस डी टी बाई डी एक्स, ऐसा लिख रहे थे, ऐसा हम लोग लिख रहे थे। बट यहाँ पर के हम क्या बोल के चल रहे थे कि कॉन्स्टेंट है, बट सपोज दैट कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, तो हमारी लेफ्ट सरफेस पे थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और होगी, राइट सरफेस पे कुछ और होगी, विद इन द स्लैब कुछ और होगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर के एम इज मीन थर्मल कंडक्टिविटी, के एम इज व्हाट, मीन थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें यहाँ पर के एम फाइंड आउट करना है कि मीन थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो मीन थर्मल कंडक्टिविटी को आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, देखो मीन थर्मल कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना है कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि लेट दिस वन इज, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लो, इससे क्वेश्चन
आया है दो तीन बार T1, T2 एंड यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि लेट सपोज दैट यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ठीक है, ऐसा है. दिस वन इज़ x इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज़ x इज इक्वल टू L. ये मैंने एक सबसे इजी ज्योमेट्री ही है इसलिए मैंने इसको ले लिया. अदर ज्योमेट्रीज में भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्लैब के लिए ही एप्लीकेबल है. गॉट इट? चलो, तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, अगर हमें के एम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? के एम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा. देखो यहाँ पर क्या है, के डी टी, ठीक है, ऐसा होगा डिवाइडेड बाय T1 टू T2 dt, ऐसा. अब हम देखते हैं कि भाई k यहाँ पर क्या होगा, k पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, यहाँ पर k यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है. मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखा, इसको मैंने इक्वेशन टू लिखा. अब देखो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी में वेरिएशन विद टेम्परेचर कैसा है, लीनियर है, लीनियर वेरिएशन मान के चल रहे हैं. वेरिएशन कैसा भी हमें देखने को मिल सकता है, हमें क्यूबिक वेरिएशन देखने को मिल सकता है, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक वेरिएशन देखने को मिल सकता है, बट फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन वी विल अज्यूम दैट हेयर वेरिएशन इज लीनियर, है ना. अज्यूम वेरिएशन के विद टेम्परेचर इज लीनियर, ऐसा है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. चलो भाई, तो क्या होगा, हमने लिखा के इज एग्जैक्ट के नॉट 1 प्लस अल्फा टी, हमने ऐसा लिख दिया, वेयर अल्फा इज एक्सपेंशन फैक्टर. और ये वेरी करेगा, है ना, ये डिफरेंट होगा फॉर ये पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, ये हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यू हो. तो हम आगे चल के देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है तो किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलेगा थर्मल कंडक्टिविटी में विद टेम्परेचर, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है. चलो, तो ऐसा है, अब हम इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखते हैं. यहाँ हमने उठा करके इसको सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन थर्ड, चलो तो हम इस लिख सकते हैं के एम इज एग्जैक्टली इक्वल टू T1 टू T2, के नॉट हमने बाहर कर लिया, ठीक है, हमने इसे लिखा T1 टू T2, इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं, क्या बचेगा अंदर अल्फा टी, है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा T बचेगा, तो ये क्या बचा T2 माइनस T1, ठीक है, प्लस अल्फा टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या हो गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाई टू, ऐसा हो गया. और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी एंड दिस वन वुड बी T2 माइनस T1, तो ध्यान से देखो T2 माइनस T1 हमने सभी जगह से लेकर के इसको खत्म कर दिया, तो यहाँ से K0 1 प्लस अल्फा और ये क्या बचेगा T1 प्लस T2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दो ब्रैकेट में, एक में T1 प्लस T2, एक में T2 माइनस T1, एक में T2 प्लस T1, तो ये बचेगा क्या अल्टीमेटली T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 2, T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस वन इज मीन टेम्परेचर इटसेल्फ, दिस वन इज व्हाट मीन टेम्परेचर इटसेल्फ, के नॉट 1 प्लस अल्फा TM, समझ आया. तो अब हमें यहाँ समझ भाई कि हम क्या लिख सकते हैं मीन थर्मल कंडक्टिविटी. ये रहा मीन थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, सब लोग इसे एकदम याद कर लो, इसको ये तो हमें पता ही है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. अब हम देखते हैं ग्राफ में मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर अल्फा वैल्यू पर डिपेंड करेगा, है ना, अल्फा वैल्यू पर डिपेंड करेगा, किस तरह से करेगा, चलो देखते हैं. यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी इस तरह से, लेट्स सपोज दैट अल्फा इज एनी पॉजिटिव वैल्यू, दिस वन इज व्हाट पॉजिटिव अल्फा, अगर ये पॉजिटिव अल्फा है तो, अगर ऐसा है और एक दूसरा केस क्या मिलेगा नेगेटिव अल्फा का,
नेगेटिव अल्फा है तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि ये प्रोफाइल है, ठीक है, ये प्रोफाइल है। ठीक, अब देखो मैं तीन केसेस यहाँ पर सेपरेटली लिख रही हूँ। केस वन में क्या है, इफ अल्फा इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव अल्फा है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। आप कैसे चेक करोगे, यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना, इधर से चलो इंक्रीज कैसे हो रही है, टी टू तो कम है ना, टी वन ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में चलो, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। जब हमने यहाँ पर देखा क्या थी, के टू थी, जब हम और इस टेम्परेचर पर आए, ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर के है, इसमें यहाँ पर पहले के इतना था, ठीक है, पहले के इतना था, फिर के इतना हुआ, फिर हमने देखा कि अगर हम और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या देखा, फॉर पॉजिटिव अल्फा थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेगेटिव अल्फा के लिए देखते हैं, केस टू देख लो भाई, केस टू क्या कह रहा है, इफ अल्फा इज नेगेटिव तब क्या होगा, नेगेटिव अल्फा है तो देखो भाई क्या है, नेगेटिव अल्फा वाले के लिए मैं अलग पेन से लिख रही हूँ, ग्रीन कलर, ठीक है, इसको फॉलो करना। नेगेटिव अल्फा के लिए पहले देखो, अगर नेगेटिव अल्फा है तो पहले हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी ये थी, हमने और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम देख रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी इतनी आ गई, फिर हमने और इंक्रीज किया तो थर्मल कंडक्टिविटी इतनी आ गई, पहले ये थी थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई, ठीक है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी ये हुई। एंड अच्छा, नेगेटिव अल्फा है तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दिस वन इज द डिक्रीजिंग, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ के इटसेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इस तरह की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जस्ट रिवर्स, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी, क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो यहाँ पर K is inversely proportional to temperature. That means अगर आप temperature increase कर रहे हैं तो thermal conductivity decrease होगी, ठीक। Third case देखो, third case में क्या हो रहा है, if thermal conductivity is exactly equal to zero, अब आप इसको zero अगर रख दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, अल्फा zero हो गया तो k will be exactly equal to k naught, k will be exactly equal to k naught is exactly equal to constant, that means thermal conductivity is independent of temperature, ठीक है, तो हमें ये फाइनली वेरिएशन देखने को मिल गया। इससे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एक आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। चलो एक क्वेश्चन कर लें क्या हम लोग, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज का सेशन हम लोग कर लें वाइंड अप। एक मिनट बस,
एक मिनट का बस मुझे टाइम दीजिएगा। दिस वन इज आपके पास एक ये क्वेश्चन है, ये गेट प्रीवियस ईयर्स में 2 मार्क्स में फ्रेम हुआ था, ये गेट प्रीवियस ईयर्स में 2 मार्क्स में आया था। देखो भाई इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, कंसीडर अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ यूनिट थिकनेस फॉर विच द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। The opposite faces of the block are maintained at constant but different temperatures. And यहाँ पर आपको temperature range दे रखा है that T will lie between x is equal to 0 पर जो T है and T at x is equal to 1. T is lying between the T at x is equal to 0 and T at x is equal to 1. ठीक है, एंड ये क्या बोल रहे हैं, हीट ट्रांसफर इज बाय स्टेडी स्टेट कंडक्शन इन एक्स डायरेक्शन ओनली, देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ हीट इनसाइड द ब्लॉक, इन द फिगर बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट टेम्परेचर प्रोफाइल इन द ब्लॉक। चलो आपको यहाँ पर 4 टेम्परेचर प्रोफाइल्स दे रखी हैं, आपको करेक्ट टेम्परेचर प्रोफाइल फाइंड आउट करनी है। चले करिए सब लोग फास्ट, सब लोग सॉल्व करिए, बताइए कि कौन सी यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल करेक्ट होगी, विच ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी सुमित कुमार राव, ओके गुड। और लोग बताएं, और लोग बताएं कि क्या होगा। ठीक है ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, किस तरह से देखो यहां पर ये बोल रहे हैं, इन्होंने आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन दी है। एक तो ये क्या बोल रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड हमारे पास प्रोफाइल हमें क्या पता है, ये स्लैब है, इसको मैंने जस्ट क्या कर दिया, इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो आपको ये इसी तरह की तो कुछ दिखेगी। ये आपकी कौन सा है, ये बोल रहे हैं कि टी एक्स इज इक्वल टू 0 पर है और ये टी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर है, मतलब ये पक्का क्या रहा होगा, एक्स इज इक्वल टू 1, थिकनेस इसकी 1 होगी, है ना, ऐसा रहा होगा। तो अब ये हमें कौन सी फॉलो करनी है प्रोफाइल, प्रोफाइल कौन सी होगी, ये वाली। ये क्या है, अल्फा इज नेगेटिव, नेगेटिव अल्फा के लिए है, ऐसा हमें कब देखने को मिलता है, नेगेटिव अल्फा के लिए। तो हमें भैया पता चल गया कि लोअर कॉन्वेक्स बनेगा यहाँ पर, तो अपर कॉन्वेक्स वाली जो है प्रोफाइल्स हमें उनको क्रॉस मार देना है। ये अपर कॉन्वेक्स फर्स्ट एंड सेकेंड बना रहे हैं, गलत है। अब थर्ड एंड फोर्थ के बीच का हमारा डाउट है कि क्या थर्ड सही होगा या फोर्थ सही होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही हिडन है, सब कुछ उन्होंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है। ये बोल क्या रहे हैं, ये देखो, देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ हीट इनसाइड द ब्लॉक। यहां पर देखो, यहां पर प्रोफाइल कैसी, हम मान रहे हैं कि यहाँ पर हीट का ना तो कोई जनरेशन हो रहा है ना तो कंजम्पशन हो रहा है। जनरेशन कब होगा, जब कोई हीट सोर्स अंदर होगा, कंजम्पशन कब होगा जब कोई हीट सिंक अंदर होगा। तो ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ये वाला केस है। प्रोफाइल हमारी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी, T1 से शुरू होगी, T2 में ख़त्म होगी, मतलब ये गिवन टेम्परेचर रेंज में ही प्रोफाइल होगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, रेंज से बाहर नहीं जाएगी।
फोर्थ प्रोफाइल जो है ये इस वाली रेंज को क्रॉस मार रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये साफ साफ क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर हीट का कहीं ना कहीं कंजम्पशन हो रहा होगा, मतलब हीट सिंक कहीं पर है यहाँ पर, इसी वजह से प्रोफाइल नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसा तो क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ बताया है कि देर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ हीट। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा होगा गलत। सिर्फ और सिर्फ इकलौती प्रोफाइल, थर्ड प्रोफाइल सही रहती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, एब्सोल्युटली फ्री था। अगर आपको ये सब कुछ जो मैंने अभी पढ़ाया है आता है तो इतना ठीक है। और क्वेश्चन हम करेंगे जो बता रहे होंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, है ना। अभी हम करेंगे सारे 1 by 1 दोनों। तो अभी तक बताइए, अगर आज के सेशन में किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर हम लोग सेशन करते हैं वाइंड अप। अभी 10 बजे, मतलब अभी रिसेंटली 3 मिनट बाद ही हमारा एक सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगी आपकी 100 डेज, लास्ट 100 डेज में क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो आपको करनी चाहिए टू सिक्योर AIR अंडर 100, है ना। अगर आपको AIR 100 सिक्योर करनी है तो आपकी क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी 100 डेज के लिए होनी चाहिए। बोलो मैम, AIR 100 अंडर 100 आया तो क्या, तो आपका वहां अगर अंडर 100 में आप हैं तो श्योर हैं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप जनरल में आते हो, आप किसी कैटेगरी में आते हो, आपकी श्योर है PSU सीट कंफर्म्ड है। तो इस वजह से हमें उसकी स्ट्रैटेजी करनी है। और दूसरी चीज एक चीज और नोट कर लो कि स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जो हमारी क्लासेस होती हैं, उसमें मैंने एक बेहतरीन आपको सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज का नाम है सुपर फास्ट 50 क्वेश्चंस। जैसा कि सुन के काफी अच्छा सा लग रहा है कि सुपर फास्ट 50 क्वेश्चंस, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के आपको क्वालिटी 50 क्वेश्चन वहां से पिक करूंगी और हमें वो बहुत तेजी से कवर करने हैं। ये सभी ब्रांचेस के लिए है, सभी ब्रांचेस के लिए जिनके जिनके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो भी, ठीक है। आ जाओ सभी लोग। सीरीज मैम स्टार्ट कब से हो रही है, तो ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है कल से। ये सीरीज मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ, एंड इस सीरीज की जो टाइमिंग कल की टाइमिंग है वो 10:30 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की मैं टाइमिंग बता दूंगी, होपफुली कि वेरी करेगी टाइमिंग। तो देख लो, इसको मार्क कर लो भाई, जो हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस उस पर सब लोगों को अगर ये सीरीज करनी है तो स्पेशल क्लासेस में आकर के मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। मुझे मतलब जाकर के फॉलो करो और स्पेशल क्लासेस में आकर के यहाँ पर अटेंड करो। सीरीज का नाम क्या है, सुपर फास्ट। ये सभी सब्जेक्ट्स के मैं कवर कराऊंगी और ये क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपसे कोई वो सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन ना बन पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिए। जो इसका सेशन फर्स्ट है वो कब है, 20th अक्टूबर 10:30 PM। सब लोग फुर्सत से अटेंड करने के बाद आना, एकदम ताबड़तोड़ फॉर्म में हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। रिवीजन नहीं, मतलब प्रैक्टिस करेंगे क्वालिटी क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन हम लोग करते हैं वाइंड अप। सब कुछ अगर क्लियर है तो फटाफट यहाँ पर थम्स अप कर दो। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों का यहाँ पर दिखना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट जो है वो दिखना चाहिए। और आपको आपने आज की जो सेशन है, ये जो हमारी सीरीज है, मतलब ये वाली रिवीजन वाली क्रैश को सीरीज, ये आप रियली इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट मुझे बता दीजिए, फिर इसके साथ ही आज का सेशन हम लोग करते हैं वाइंड अप। ओके, थैंक यू सो मच सुमित कुमार राव। चलिए बस मिलते हैं हम लोग अभी, जस्ट सब लोग यहीं बने रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्ट्रैटेजी अपनी डिस्कस करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय।
चलिए, जैसा कि मैंने अभी देखा कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ कुछ उनका इस मतलब ये सेशन से रिलेटेड ही था, तो हम लोग एक काम करते हैं, सेशन को ही थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं। लोगों को बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या करना है एंड एचटी का क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज वाला, जैसा मैं देख रही हूँ कि स्ट्रैटेजीज वाला जो है सेशन, वो हमारा कुछ रीज़न की वजह से पोस्टपोन हुआ है, कल हम लोग उसे प्लान करेंगे। ठीक है, चलो तो आ जाइए सभी लोग, फास्ट आ जाइए। आप लोगों के जो जो डाउट्स थे दोबारा से पूछ लीजिए, मैंने जैसा अभी देखा, तो हम लोग कंटिन्यू करके उसे शुरू करते हैं। चलिए बताइए फास्ट सभी लोग। सभी ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है ना, यहाँ पर बता दो फास्ट। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सबको क्लियर है? एनीवन, कोई इश्यू है क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी, चलो ये हमें पता चल गया ना कि ये हमारा सुपर फास्ट 50 क्वेश्चंस की सीरीज जो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, बहुत यूज़फुल होगी, तो आप लोग इसको मिस बिल्कुल भी मत करें। चलो अब हमें करना क्या है, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करें इससे पहले कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को। कुछ और पॉइंट्स को हमें क्या डिस्कस करना है, करूं थर्मल डिफ्यूजिविटी की, तो मुझे आप लोग सब लोग बताएंगे क्या व्हाट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय द टर्म थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, इससे पहले कि जनरल हीट कंडक्शन पढ़े, हमें ये पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा। चलिए बताइए कि क्या होता है। बताइए व्हाट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। सभी लोग फास्ट एनरोल कर लीजिए ब्रह्मास्त्र बैच एंड मिशन बैचेस के लिए, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच तो 2024 वालों के लिए एकदम वरदान टाइप है कि ये लास्ट बैच है, समझ लो कि ये गेट 2024 के लिए जो बैच पॉसिबल हो सकते हैं तो उसमें से लास्ट बैच है, इसके बाद 2024 का बैच नहीं होगा। चलो थर्मल डिफ्यूजिविटी बताओ। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ऑफ द हीट ट्रांसपोर्ट, इट शोज, थर्मल डिफ्यूजिविटी शोज ईज ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट, ईज ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट मीन्स इट शोज how easily the heat is going to transfer within the material, how the heat is diffusing within the material, tabhi humne ise diffusivity naam likha। to ab ise ease of the heat transfer kyun bol rahe hain, dekhiye isko hum log kya bolte hain, this is the ratio of heat transport capacity of the material to the हीट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सेम मटीरियल। के इज वॉट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड दैट वन इज द हीट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ एनी मटीरियल। सी पी इज वॉट, सी पी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मटीरियल। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये सपोर्टिंग टर्म है हीट ट्रांसफर के लिए, कि ये बोल रहा है कि हीट के ट्रांसफर को प्रमोट कर रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि नहीं हीट का ट्रांसफर ना हो, ये हीट किसी भी मटेरियल के अंदर स्टोर हो करके रहे, ये हीट स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी मटेरियल के शो करता है। तो एक सपोर्टिव टर्म है, एक इसके अपोज में है टर्म, तो यही बताता है कि जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी हो, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डोमिनेट कर गई तो हम बोलेंगे कि इसकी हीट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, हीट स्टोरेज कैपेसिटी पे
डोमिनेट कर गई, दैट मीन्स के यहां पर ईज ऑफ द हीट ट्रांसफर है, मतलब हीट का ट्रांसफर ईजिली हो जाएगा। यहां पर थर्मल डिफ्यूजिविटी हाई है, थर्मल डिफ्यूजिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि यहां पर ईजिली हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अगर हीट स्टोरेज कैपेसिटी हीट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी पे डोमिनेट कर गई तो क्या होगा, यहां पर थर्मल डिफ्यूजिविटी लो होगी। थर्मल डिफ्यूजिविटी लो होने का मतलब क्या है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो गई है हीट की, मतलब कि यहां पर इजिली हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है किसी भी मटेरियल के अंदर, बहुत मुश्किल से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। समझ गए आप? अब देखो यहां पर अगर आप इसकी यूनिट चेक करें, यूनिट चेक करें तो आपको यहां पर इसकी यूनिट मिलेगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम लोग थर्मल डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, थर्मल डिफ्यूजिविटी, मास डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। हमें तीन तरह की डिफ्यूजिविटीज देखने को मिलती हैं अगर हम लोग हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड हम लोग मैकेनिक्स की को हम लोग रिलेट करके देखें, तो हमें सभी में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा एसोसिएटेड लॉ क्या है हीट ट्रांसफर के लिए, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। मास ट्रांसफर के लिए एसोसिएटेड लॉ क्या है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एंड वहाँ पर क्या है, जहाँ ये क्या है कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और डिफ्यूजन में कंडक्टिव मास ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। डिफ्यूजन इज वॉट, कंडक्टिव मास ट्रांसपोर्ट। और इसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है, वो हमें फ्लूइड के हाइड्रोडाइनेमिक बिहेवियर की स्टडी कराता है। तो यहाँ पर होता क्या है, अल्फा थर्मल डिफ्यूजिविटी, अल्फा को हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी और डीएबी को हम लोग मास डिफ्यूजिविटी और यहां पर जो न्यू है दैट मीन्स द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू द डेंसिटी इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। अब है क्या, डिफ्यूजिविटी कोई भी हो, चाहे वो थर्मल डिफ्यूजिविटी हो, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी हो या फिर मास डिफ्यूजिविटी हो, तीनों की ही यूनिट सेम होती हैं। ये आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ये होती है प्रॉपर। इसका डेरिवेशन हम लोग डेरिवेशन के थ्रू समझ सकते हैं, बट अभी मैं आपको डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं बताऊंगी, है ना। सेम यूनिट, ठीक है, सेम यूनिट होती है तीनों की और होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये याद रखो। अभी मैं आप लोगों को डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं करा रही हूँ, क्लियर। चलो बात करते हैं, अब हम लोग बात जनरल हीट कंडक्शन की कर लें क्या, ठीक, जनरल हीट कंडक्शन की हम लोग बात कर लें क्या। चलो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तीन चार जनरल हीट कंडक्शन के पहले, फिर हम लोग कल जनरल हीट कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। फटाफट सब लोग यहाँ पर नोट कर लिए ब्रह्मास्त्र बैच के लिए एंड मिशन बैच के लिए, जो भी आपका है, आप जो भी टारगेट कर रहे हैं। चलो एक मिनट मुझे बस टाइम दीजिए। चलिए यहां से करते हैं क्वेश्चंस। बोल रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप मिनरल ऑयल इज फिल्ड इन बिटवीन द नैरो गैप ऑफ टू हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेट्स। द सेटअप हैज अरेंजमेंट्स टू मेंटेन द प्लेट्स एट डिजायर्ड यूनिफॉर्म टेम्परेचर्स।
एट दीज टेम्परेचर्स ओनली द रेडिएटिव हीट फ्लक्स इज नेग्लिजिबल. ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है. द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ऑयल डज नॉट वेरी परसिपिडली इन दिस टेम्परेचर रेंज. कंसिडर फोर एक्सपेरिमेंट्स एट स्टेडी स्टेट अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एज शोन इन द फिगर बिलो. द फिगर बिलो शोज द टेम्परेचर्स एंड द हीट फ्लक्सेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ये बोल रहे हैं वॉट इज द स्टेडी स्टेट हीट फ्लक्स विद द टॉप प्लेट एट 70 डिग्री सेल्सियस एंड बॉटम प्लेट एट 40 डिग्री सेल्सियस. देखो यहाँ पर चार आपको एक्सपेरिमेंटल सेल्स दिए हैं. जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है. मैं आपको इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है. आपको एक ये प्लेट दे रखा है, एक ये प्लेट दे रखा है, ठीक है. इस प्लेट का जो, और यहाँ पर भी चार केसेस मैं अलग अलग बना दे रही हूँ. दो प्लेटें हैं, एक अपर प्लेट है, एक लोअर प्लेट है, और दोनों ही प्लेट्स के बीच में एक ऑयल है, उसको फिल कर दिया गया है जिसकी कोई थर्मल कंडक्टिविटी के रही होगी, ठीक है. एक ऑयल को हमने यहाँ फिल कर दिया. अब देखो भाई यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि केस फर्स्ट में इसकी अपर प्लेट डिग्री सेल्सियस है, लोअर प्लेट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है. सेकेंड केस में क्या है कि इसकी पोजीशन को जस्ट रिवर्स कर दिया है, अपर प्लेट को लोअर प्लेट कर दिया है, लोअर प्लेट को अपर प्लेट. मतलब कि यहाँ पर अब 60 यहाँ पर कर दिया है और 30 वाली प्लेट को यहाँ पर प्लेस कर दिया. थर्ड केस में क्या कह रहे हैं, अलग टेम्परेचर है. थर्ड केस में ये बोल रहे हैं यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस अपर प्लेट का है, लोअर प्लेट का 70 डिग्री सेल्सियस है. अब इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है, 70 वाली प्लेट को ऊपर कर दिया, 40 वाली प्लेट को नीचे कर दिया है. सबके बीच में जो गैप है उसमें मिनरल है जिसकी अपनी कोई थर्मल कंडक्टिविटी है. यहाँ पर आपको फ्लक्स वैल्यू, इन्होंने यहाँ पर फ्लक्स वैल्यू आपको 39 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 42 दे रखा है, और यहाँ पर चलो बताओ, है ना. अब ठीक है, किस क्वेश्चन इसको बताओ कि क्या होगा. सभी लोग बता दीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. यहाँ पर देखिए मैंने क्या समझाया था आप लोगों को कि देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली जो प्लेट है इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, इसका तो यहाँ पर की जो एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स होंगी, ऑयल लेयर्स, उनका टेम्परेचर क्या है, उनका टेम्परेचर हाई है तो डेंसिटी कम होगी. और यहाँ जो ऊपर वाली यहाँ पर की फ्लूइड लेयर्स होंगी, है ना, यहाँ पर की फ्लूइड लेयर्स होंगी, इनका टेम्परेचर कम है तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा है. तो हायर डेंसिटी फ्लूइड लेयर्स की टेंडेंसी क्या होगी, ये ऊपर क्यों फ्लोट करेंगी, ये तो आकर के नीचे सिंक करने की कोशिश करेंगी. और जो नीचे लो डेंसिटी फ्लूइड लेयर्स हैं वो टॉप पे जाकर के फ्लोट करने की कोशिश करेंगी.
ठीक है, वो जाकर के टॉप ऑफ द सरफेस पर फ्लोट करने की कोशिश करेंगी, तो ये क्या होंगी, ऊपर वाली लेयर्स नीचे आएंगी, नीचे वाली ऊपर जाएंगी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो इस तरह से नेचुरल यहाँ पर सर्कुलेशन करंट डेवलप हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मेनली वाया कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कन्वेक्शन है यहाँ पर -30 और इसके बीच गैप कुछ है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें कितना मिल रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस 30 का मिल रहा है। ठीक, चलो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ऊपर वाली प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे वाली का कम है, नीचे वाली प्लेट का कम है तो यहाँ जो फ्लूइड लेयर्स हैं इनका टेम्परेचर कम है। ठीक है, टेम्परेचर तो डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है। तो भाई अब ये कहीं भी नहीं फ्लूइड लेयर्स जाएंगी, ये ऑलरेडी ऊपर हैं, कम वाली, कम डेंसिटी वाली और हाई डेंसिटी वाली ऑलरेडी नीचे हैं, तो यहाँ पर ये बल्क मोशन नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ कन्वेक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने तभी बताया कि हीट फ्लक्स 26 है, यहाँ पर 39 है, 39 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एडवेक्टिव रेट ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट भी इसमें जाकर के ऐड हो गया है, एडवेक्टिव रेट ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट इसमें ऐड हो गया है, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम था, सेम थिकनेस थी, सेम थर्मल कंडक्टिविटी थी, सब सेम था, है ना, तो सेम रहना चाहिए था अगर यहाँ पर भी प्योर कन्वेक्शन कंडक्शन हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी सेम यही होगा, अगर याद रखिए बॉटम प्लेट हाई टेम्परेचर वाली है एज कम्पेयर टू द टॉप प्लेट, तो वहाँ पर एडवेक्शन होगा ही होगा, और अगर बॉटम प्लेट का टेम्परेचर कम है टॉप प्लेट का ज़्यादा है तो वहाँ पर एडवेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा है, कन्वेक्शन का है, ये वाला क्योंकि कंडक्शन में एडवेक्शन ऐड हो गया है, ये किसका केस है, ये प्योर कंडक्शन का है, ये किसका है, ये कन्वेक्शन का है, और ये अगेन कंडक्शन का है। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम है सभी केसेस में, यहाँ पर क्या है 70 - 40 30 है, प्लेट थिकनेस सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑयल सेम है सभी केसेस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर केस में क्यू कन्वेक्शन जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होना चाहिए, जितना यहाँ पर है कंडक्शन उतना यहाँ होना चाहिए, बट यहाँ पर थोड़े किसी और इफेक्ट की वजह से भी ज़्यादा है, मतलब हम यहाँ से तो हमें पता है कि कम ही होगा, तो अब ये कितना होगा, हमारे पास ऑप्शन कुछ अदर कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, तो हमने इसको लिख दिया कि भाई 26 होगा, जबकि सारा सब कुछ थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम यहाँ पर भी था, कंडक्शन यहाँ पर भी था, कंडक्शन यहाँ पर भी है, तो 26 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ईजी सा छोटा सा क्वेश्चन था, बट अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हमारे लिए ईजी है, कंसेप्ट नहीं पता है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था बॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये वाला करिए, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। फॉर द कॉम्पोजिट वॉल शोन बिलो द स्टेडी स्टेट इंटरफेस टेम्परेचर इज 180 डिग्री सेल्सियस इफ द थिकनेस ऑफ द लेयर पी इज डबल्ड इन केस टू, दिस वन इज केस टू, देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन वन डायमेंशनल कंडक्शन इज रेड्यूस्ड बाय। यहाँ पर दो केसेस हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि ये कॉम्पोजिट जो है वो दो मटेरियल से बन के मिलकर के बनी हुई है, पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू से मिलकर के बनी हुई है, यहाँ पर जो पी है इसकी थिकनेस एल है, अब इन्होंने सेकेंड केस में क्या कर दिया है, इसकी थिकनेस को जस्ट डबल कर दिया है, पी जो है ना, पी वाली स्लैब जो है उसकी थिकनेस जस्ट डबल कर दी, बाकी सब कुछ सेम रखा, यहाँ पर इन्होंने इसका टेम्परेचर 500 बताया है इस साइड और इस एंड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बताया है, यहाँ पर इन्होंने हमें जंक्शन टेम्परेचर बता दिया है, यहाँ पर नहीं पता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितने परसेंट हीट में रिडक्शन आएगा ये आपको बताना है, चलिए करिए।
चलिए बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए करते हैं साथ साथ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एट स्टेडी स्टेट हमें क्या पता है, सभी पॉइंट पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम होगा। कलर ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू होगा, यहाँ पर भी क्यू होगा, यहाँ पर भी क्यू होगा, यहाँ पर भी क्यू। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, इस वाले फर्स्ट वाले केस के लिए हम लोग क्या बोले, अगर हम लोग बोल रहे हैं क्यू वन, तो क्यू वन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू हाउ मच, टी वन माइनस टी फाइव माइनस 20 डिवाइडेड बाई एल बाई के ए, एल बाई के पी ए। हमने इसको हम लोग फ्लक्स अगर लिख दें तो ये एरिया का काम ही खत्म हो, हमने इसे फ्लक्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, एल बाई के पी। अब देखो हम लोग यहाँ पर से एल बाई के पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो एल बाई के पी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, ये होगी 480 डिवाइडेड बाय क्यू वन, ठीक, ऐसा हो गया। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ पर लिख, वेट 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 जस्ट अ मिनट, के पी अगर हम लिख रहे हैं तो ये माइनस 180 होगा, इसके इसके बीच हमने किया है माइनस 180, तो ये बचेगा कितना, 320, 320 ऐसा हो गया। चलो भाई अब हम लोग क्या करें, एक बार हम लोग क्या करें, 180 टू 20 देख लें, 180 टू 20 हमने इसको सपोज दैट x मान लिया, दिस वन इज व्हाट x, 180 टू 20, तो ये q1 ही होगा 180 माइनस 20 डिवाइडेड बाई x बाई के क्यू, ऐसा लिख दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग x बाई के क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 160 डिवाइडेड बाई क्यू वन। चलो एक बार हम लोग इसको ओवरऑल की फॉर्म में लिख लें क्यू वन को, क्योंकि हर एक पॉइंट पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र तो सेम ही होगा, 500 माइनस 20, 500 माइनस 20 एल बाई के पी प्लस एक्स बाई के क्यू, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। चलो अब क्या करेंगे, ये क्या हुआ, कॉम्पोजिट है, यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों ही स्लैब्स का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज दिस वन इज ओवरऑल थर्मल पोटेंशियल, तो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस इसका और इसका ऐड हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। चलो तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज रख दें, के वन विल बी, क्यू वन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 480, 320 डिवाइडेड बाई क्यू वन प्लस 160 डिवाइडेड बाई क्यू वन। तो यहाँ से भाई क्यू वन बाई क्यू वन इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्यू वन। अब ये क्या हुआ, मतलब कि ये 100% है, अभी इतना हमने लिखा, जस्ट इसको एज इट इज़ रखा रहने दो, है ना। अब इसको ऐसा नहीं कि हमें सेम दिख रहा है तो क्रॉस मार दो, दोनों साइड काटा मारो, तो हमेशा हर साइड काटा मारने के लिए चीज़ नहीं होती है क्रॉस करने के लिए, ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग सेकेंड केस के लिए लिखते हैं, है ना, सेकेंड केस के लिए, फर्स्ट केस, और सेकेंड केस, ये क्या है सेकेंड केस, सेकेंड केस में हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं क्यू टू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 500 माइनस 20 डिवाइडेड बाई, अब ये लिखेंगे 2L by KP, 2 times of L by KP plus X by KQ, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हुआ, Q2 will be exactly equal to how much, 480 divided by L by KP की वैल्यू हमें 320 पता है, 320 by K1 times 2, तो ये कितना हो जाएगा, 640 by Q1,
ऐसा लिख दिया, हमने यहां से ही वैल्यू लिखी है इसकी उठा करके, x by k क्यूब हम लिख सकते हैं प्लस 160 by q1, है ना। तो देखो जरा ये कितना हो गया, ये हो गया 800, 480 by 800, ये आपका कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा आपका 0.6 टाइम्स ऑफ q1, ऐसा लिख दिया। चलो ये कितना है 0.6 टाइम्स ऑफ q1 एंड 1 टाइम्स q1। अब हमें फाइंड आउट का क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाय q1 इनटू 100, ये फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं, q1 है हमारा, q1 ही है इटसेल्फ, ये क्या है माइनस 0.6 टाइम्स ऑफ q1 एंड ये क्या है q1 है और इनटू 100, तो यहां से हमारा ये बचा क्या 40% आ गया, ये हमारा कितना हो गया 40%। दस ऑप्शन B will be the correct option. Clear? आपकी कोई और approach हो सकती है, इसके लिए कोई different approach हो सकती है, ठीक है? हो सकता है आपने यहाँ पर junction temperature find out करके किया हो, कोई भी approach हो सकती है। Question सबसे अगर आप सही कर रहे हैं, है ना? बशर्ते आपको सही करना चाहिए, सही आप कर रहे हैं approach, तो यहाँ पर आपका answer सही आएगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि किसी approach में हो सकता है का लेस टाइम कंज्यूमिंग हो कोई अप्रोच, कोई आपकी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। ओके चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट कुछ है तो पूछ लो बस, ठीक है कुछ है तो पूछ लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, ये बोल रहे हैं द वॉल ऑफ अ पाइप, इसको पहले हम लोग यहां लेके चलते हैं, द वॉल ऑफ अ पाइप ऑफ रेडियस 1 meter इज एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस एंड इज कवर्ड बाय इंसुलेशन ऑफ थिकनेस 0.1 meter, the ambient air outside the insulated pipe is at 20 degree celsius and has heat transfer coefficient of 10 watt per meter square kelvin, the thermal conductivity of the insulation material is given as this one, if the heat transfer occurs at steady state then the temperature of the outer surface of the insulation is, yahan par aapko bataya hai ki ek pipe wall hai, yahan par bana deti hu main, theek hai, this one is pipe wall, this one is pipe wall and यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको radius इसकी दे दी है 1 meter, radius आपको इसकी 1 meter given है, 1 meter given है, ये बोल रहे हैं कि ये outer surface इसकी जो है वो insulated, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये insulation है। आप देखो भाई ये बोल रहे हैं कि इसकी इनर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस है, द वॉल ऑफ द टेम्परेचर इज एट 200 डिग्री सेल्सियस, T1 इज 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये T2 है जो इसकी इंसुलेशन सरफेस का टेम्परेचर है ये हमें नहीं पता है, एंड दिस वन इज ओपन टू एटमोसफियर एंड एटमोसफियर यहाँ पर एम्बियन टेम्परेचर कितना है आपको 20 डिग्री सेल्सियस गिवेन है, ठीक, इंसुलेशन थिकनेस आपको दे रखा है कि 0.1 meter है, और यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी भी आपको गिवन है इंसुलेशन मटेरियल की, और यहाँ पर ओवरऑल हीट ट्रांसफर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट कोफिशियंट इनसाइड द एयर इज गिवन एज 10, चलो सब कुछ आपको दे रखा है, आपको करना क्या है एट स्टेडी स्टेट हम लोग क्या बात करेंगे, Q conduction will be exactly equal to Q convection. Q conduction will be exactly equal to Q convection. बस अब आप यहाँ पर अपने concepts apply करिए and मुझे answer बताइए कितना आ रहा है।
बताइए भाई। कितना आंसर आ रहा है बताइए, कितना आया? देखते हैं, देखो यहाँ पर हमने करना क्या है, क्यू कंडक्शन जहां पर भी आप करेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करना है, रेजिस्टेंसेस को एग्जैक्टली याद कर लेना है कि कौन कौन सी ज्योमेट्री के लिए क्या थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्शन की यहाँ पर बात आई तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी वन माइनस टी टू, ऐसा लिखते हैं, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई लॉग R2 बाई R1, ये कैसा है, हॉलो सिलेंडर है, डिवाइडेड बाई 2 पाई KL, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा HA डेल्टा T, HA एरिया क्या होगा, 2 पाई RL, 2 पाई R क्या होगा, R2 होगा, HA डेल्टा T। अब ये क्या होगा, T2 माइनस T इन्फिनाइट, ये R है और ये कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो R यहाँ पर 1 मीटर है, 0.1 मीटर थिकनेस आपकी है, तो R2 1.1 हो जाएगा, ठीक है। T1 आपको 200 गिवन है, यहाँ पर T1 इज गिवन एज 200, T2 आपको फाइंड आउट करना है, नहीं पता, यही आपको फाइंड आउट करना है, लॉग R2 इज 1.1, R1 इज 1, 2 पाई KL, 2 पाई K कितना है, 2 पाई KL, K यहाँ पर कितना है, 0.05 है, 0.05 लेंथ आपकी कितनी दे रखी है, 1 मान लो आप, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, यूनिट आपको यहाँ पर लेंथ अज्यूम कर लेनी है। चलो यहाँ पर सेम L यहाँ पर भी है तो ख़त्म ही हो जाए, नहीं भी यूनिट आप अज्यूम कर रहे हैं तो, यहाँ पर H आपको 10 गिवन है, 2 पाई R2, R कितना हो जाएगा, 1.1 L, और T2 आपको नहीं पता है, T इन्फिनाइट आपको पता है 20, बस यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 28.2 के नियर अबाउट आएगा, एक बार चेक कर लो इतना आ रहा है क्या, ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन ही करना है सिंपल सा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें हर एक ज्योमेट्रीज के लिए भाई रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक, क्या होता है। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है आप आज काफी, ये क्वेश्चन हमारा जनरल हीट कंडक्शन का है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, है ना, ये हमें क्या करना है, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी का एक क्वेश्चन करना है, ये वाला करते हैं। चलो ये एक वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी का है जो हमने ऑलरेडी आज, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मुझे लगता है, चलिए इसको करिए आप लोग सॉल्व। यहाँ पर ये बोल क्या रहे हैं, अ 0.5 मीटर थिक प्लेन वॉल हैज इट्स टू सर्फेसेस केप्ट एज 300 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यूज एट 300 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस आर गिवन एज 25 वॉट पर मीटर कैल्विन एंड 15 वॉट पर मीटर कैल्विन रेस्पेक्टिवली। देन द स्टेडी स्टेट हीट फ्लक्स थ्रू द वॉल इज, ये आपसे स्टेडी स्टेट हीट फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो भाई हमें क्या पता है कि यहाँ पर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी है, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये वॉल है, ये वॉल है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस वॉल की जो थिकनेस है ये कितनी है, 0.5 मीटर, तो ये क्या है, x इज इक्वल टू जीरो और ये x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा है।
यहाँ पर टेम्परेचर इस सरफेस का दिया है इन्होंने 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बोल रहे हैं जिस एंड पे ये 300 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है K1 वो है 25 वॉट पर मीटर केल्विन, और जिस एंड पे T2 है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ये है 15 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है, ऐसा इन्होंने दिया है। तो ये बोल रहे हैं कि फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई होता क्या है, वी नो दैट फ्लक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू KM। अब यहाँ पर मीन थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी कौन सी आएगी, मीन थर्मल कंडक्टिविटी माइनस KM dT बाय dx ऐसा आएगा। चलो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या करना है, KM विल बी, अब dT क्या होगा, वैसे तो T2 माइनस T1 होता है dT, बट आप नेगेटिव साइन करेंगे तो T1 माइनस T2, बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T2, इसी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस 200 बाई dx, dx क्या होगा, माइनस x1 0.5 माइनस 0, तो ये क्या है, q विल बी एग्जैक्टली इक्वल 200, ठीक है, 100 डिवाइडेड 5, तो ये 200 हो गया। हमने इक्वेशन 1 डाल करके इसको छोड़ दिया। अब हमें यहाँ पर km की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है बस। अब आपका काम है आप इसको चेक करो कि km की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वेरिएशन को पढ़ रखा है ऑलरेडी कि किस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी में वेरिएशन टेम्परेचर के साथ होता है। चलिए अब उसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करिए फास्ट और मुझे आंसर बताइए कि कौन सा आ रहा है, फिर हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। सभी लोग एक्टिव रह करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो चलिए इसका आंसर बस बताइए। चलिए मुझे बताइए कि सबका कितना यहाँ पर आंसर आ रहा है, सोचिए सोचिए थोड़ा कि कैसे करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल तरीके से। Am I looking sad? कुछ लोगों का कहना है कि मैं बहुत sad दिख रही हूँ। नहीं, मुझे actually गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, sneezing हो रही थी इसकी वजह से। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, सीजन चेंज हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी अबाउट मी, ओके। सब लोग आराम से अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस वही सही है। चलिए बताइए बताइए कितना आ रहा है आंसर सबका। ऑप्शन ए किसका आ रहा है, सुमित का। नहीं बेटा, सुमित ऑप्शन ए नहीं होगा इसका, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि सब लोग चेक कर लो इस क्वेश्चन को। ये गेट प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने सेपरेटली आप लोगों के लिए फ्रेम किया था कि हम लोग इस तरह का भी क्वेश्चन वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी का कर लें, अगर ग्राफ से रिलेटेड। एक ही ग्राफ वाला हमारा आया था जो हमने लास्ट किया था। चलो तो इसको करो फास्ट सभी लोग,
करते हैं। देखो हमारा काम यहां पर क्या है कि हमें KM फाइंड आउट करना है। KM फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, हमें और KM इज एग्जैक्टली इक्वल टू K नॉट 1 प्लस अल्फा TM, ऐसा होता है 1 प्लस अल्फा TM, लेकिन हमें TM तो पता चल जाएगा। TM क्या होगा यहां पर, TM क्या है, KM विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 प्लस अल्फा मीन टेम्परेचर ऑफ 300 एंड 200, 300 प्लस 200 500 डिवाइडेड बाय 2 250, ये कितना हो जाएगा 250। चलो तो अब हमारा पहला काम क्या है आउट करना है यहां से अल्फा और के नॉट, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, हमें एक ये रिलेशन पता है के इज एग्जैक्टली इक्वल टू के नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा पता है। हम लोग दो इसमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पर अल्फा दो हमें इक्वेशंस मिलेंगी, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग के नॉट एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो एक हम क्या रख रहे हैं कि जब टेम्परेचर की वैल्यू 300 है तो यहाँ पर के वन कितना है 25 है, जब टेम्परेचर की वैल्यू 300 है तो यहाँ पर ये 25, दिस वन इज 25 एंड K नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम्स 300, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी बाउंड्री करेंगे कब, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी कब है, जब थर्मल जब यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू 200 है, ऐसा है। चलो इसको डिवाइड कर दो, इसको हम डिवाइड अगर कर दे रहे हैं K नॉट तो नमस्ते लंदन हो जाएगा यहाँ से इसका काम, तो ये क्या बचा हमारा 1 प्लस 300 टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 200 टाइम्स ऑफ अल्फा, सॉल्व करते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 प्लस 900 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है, ऐसा हुआ। ये क्या बचेगा 100 अल्फा इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस 2, 3 माइनस 5, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी माइनस 1/50, अल्फा की वैल्यू माइनस 1/50 आ गई। के नॉट की वैल्यू देख ले, के नॉट की वैल्यू देखो कैसे होगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमने यहाँ पर रख दिया एंड हमने कितना है माइनस 1/50, माइनस 1/50 इंटू 300, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 25 डिवाइडेड बाई माइनस 5, तो के नॉट कितना आ जाएगा माइनस 5, ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। के एम हमें कैसे पता चलेगा, के नॉट नॉट है, दिस वन इज के नॉट, तो यहाँ से के नॉट हमारा कितना है माइनस 5, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है माइनस 1/50, टी एम, टी एम कितना था, चलो इसको सॉल्व करो तो हमें कितना के एम 4 मिल जाएगा, आई थिंक के एम विल बी, दिस वन वुड बी 5 माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 4 टाइम्स माइनस 5, तो ये 20 आ जाएगा 20, ठीक, सब कुछ यहाँ से सॉल्व हो चुका। अब हमें Q फाइंड आउट करना है, Q इज एग्जैक्टली इक्वल टू के एम डी टी बाई डी एक्स, डी टी हमारा कितना आ रहा था, डी टी आ रहा था 100, अभी हमने यहीं पर देखा था, हाँ 200 टाइम्स के एम है ना, ये क्या है 100 डिवाइडेड बाई 0.5, ऐसा ना, तो ये कितना हो गया 200 टाइम्स 20, तो ये 4000 आ जाएगा। Q विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 4000 एंड ऑब्वियसली ये वॉट में वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q विल बी 4 किलो वॉट, Q विल बी वॉट 4 किलो वॉट, दस अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हमारा आंसर आया 4 किलो वॉट। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 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 छोटी छोटी से वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी खुद लग रहा है बहुत स्मूथ जा रहा है सब।
बहुत स्मूथली सॉल्व हो रहा है। चलो ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो आज का सेशन हम लोग करते हैं यहीं से वाइंड अप। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है कंसेप्ट को लेकर, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। चलिए बताइए भाई, बताइए। सभी को क्लियर है ना? पांडा ओपी, सी एच ई, सुमित कुमार राव, शिव, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड है ना, एंड एटसेट्रा। ऑल क्लियर? हाँ, टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेना होगा क्योंकि के का यूनिट केल्विन में है। देखो, टेम्परेचर आप किसी भी यूनिट में यहां पर ले लो, यहां पर अगर, और वहां पर कहां पर, कन्वेक्शन में, कंडक्शन कन्वेक्शन में कहीं पर भी ले लो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम जहां पर भी ले रहे हैं तो वेट 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 वेट, ये भी वैल्यूज ना आपकी डिग्री सेल्सियस में नहीं, ये केल्विन में ही गिवन है। बाकी सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होता तो कोई फर्क भी नहीं होता कि ये केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में है, बट यस, यहाँ पर हमारी जरूर उसमें वैल्यू रखी गई है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक रही होगी, ये केल्विन में ही है सारी वैल्यूज, है ना। यहाँ पर आपको 20 डिग्री सेल्सियस वाट पर मीटर स्क्वेयर, ये सेम यूनिट में ही गिवन है, हो सकता है 25 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस ही होगी, ये की वैल्यूज डिग्री सेल्सियस में ही है। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें, तो मैं इसको वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डोंट वरी अबाउट गेट, अगर आपको जो भी डेटा दिया होगा तो सारा क्लियरली मेंशन होगा कि कौन कौन सी यूनिट में है, तो आपको वहां पर कन्वर्ट कर लेना होगा। स्पेशली अगर डिफरेंस सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिफरेंस से कोई मतलब ही नहीं, वैसे भी सब कुछ हो जाना है। लेकिन हाँ, जहाँ पर बात आती है रेडिएशन की, तो रेडिएशन में आपको हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि टेम्परेचर रेस्ट टू पावर 4 देखने को मिलेगा, तो टेम्परेचर रेस्ट टू द, चलो चलो फिर आज का सेशन हम लोग, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, टेक केयर, गुड नाइट।